ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आई होप सबने कॉफी एंजॉय कर ली होगी, जिन्होंने नहीं की वो कर ले। सो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज
इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी के उपलक्ष्य में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी से एक बार फिर निवेदन है कि कोविड नॉर्म्स का जरूर पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पे मास्क पहने रखें, साथ ही एक कुर्सी छोड़कर जिस तरह से आप सभी बैठे हैं कृपया उसी तरह से बैठे रहें, हम सबका सहयोग करें। आप सबको बोर ना करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रस्तुति हमारे स्टूडेंट्स ने एक नुक्कड़ नाटक आप सभी के लिए तैयार किया है जो जनरेशन अवेयरनेस के लिए है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो बहुत ही मेहनत से इन बच्चों ने तैयार किया है। और आप सभी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठकर आप सभी इस नाटक को एंजॉय करें, इसका आनंद लें और इसके बाद इन बच्चों की तालियों से एक बार हौसला अफजाई ज़रूर करें। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए ज़रूर बजा दीजिए। तालियां बजाने का आज के टाइम में एक और फायदा है, अगर कोरोना वायरस हाथ पे बैठा हो तो वैसे ही मर जाएगा। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की, और आपके सामने पेश है नुक्कड़ नाटक। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, आया आया नाटक आया, अपना नुक्कड़ नाटक आया। विकलांगता अक्षमता नहीं है, विकलांगता केवल अंगों और इंद्रियों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जब तक कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत है, तब तक किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आवश्यक केवल इतना है कि वह साहसी, दृढ़ निश्चयी, निरंतर और मेहनती हो। जी हाँ, यह सच है कि विकलांगता कभी भी सफलता के मार्ग में बाधक नहीं होती। विकलांग होने के बावजूद बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हेलन केलर, स्टीफन हॉकिंस, आयशा चंद्र और माइकल स्कॉट ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी हार नहीं मानी। और इसीलिए यह सोचना कि विकलांगता सफलता की राह में बाधक है बिल्कुल गलत होगा। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के इसी अवसर पर हम आपके समक्ष एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहेंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मेहमान, कदरदान साहिबान, आइए आपके सामने पेश करते हैं एक अनोखा कार्यक्रम। आइए देखते हैं, एक दृष्टिबाधित लड़की का जन्म हुआ है और उसके जन्म होने के बाद लोग उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। Congratulations, आपको बेटी हुई है। बेटी हुई है, बेटी हुई है। लेकिन 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 क्या डॉक्टर? जो आपको बेटी हुई है वह एक दृष्टि बाधित है। दृष्टि बाधित? दृष्टि बाधित? हे भगवान, कौन अपनाएगा ऐसी बच्ची को जो जन्म से ही दृष्टि बाधित है? कैसे पढ़ेगी लिखेगी, एक बड़ा इंसान बनेगी? देखिए, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, मैं भी एक दृष्टि बाधित हूँ और आपके सामने डॉक्टर के रूप में हूँ। आप भी अपनी बेटी को पढ़ाइए लिखाइए और एक कामयाब इंसान बनाइए। डॉक्टर, आपने सही बोला, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। आप अपने हस्बैंड को बुलाइए। सुनिए जी। हाँ जी। हमें एक बेटी हुई है। बेटी हुई है तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन मम्मी जी को तो बेटा चाहिए था ना, वो हमें गुस्सा करेंगे। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को मैं समझा लूंगा। लेकिन 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 क्या? हमारी बेटी दृष्टि बाधित है। क्या दृष्टि बाधित है? दृष्टि बाधित है? आप चिंता मत करिए। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है शायद भगवान को यही मंजूर था। चलो हम घर चलते हैं। घर चलते हैं, घर चलते हैं।
प्रियंका, तू सुना किवें आ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तुमने सुना पिंकी के घर लड़का हुआ है? बढ़िया गल है, फिर तो बताइया। तू भी मेरे मुंडे के होने की खुशी च मिठाई खा के जाइए, ठीक है? वो भी आने वाले ने हॉस्पिटल तो। अच्छा वो हॉस्पिटल गए हैं? हाँ, तू भी वेट कर। माँ देखो हमारे घर बेटी हुई है। हाय नी, हुन केड़ा ने हुन आए नी, मैंने तो मुंडा चाहिदा सीगा, तुसी तो कुड़ी ले आए ने, हुन मैं दा की करा? माँ बेटी तो हुई है, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, क्यों नाराज हुई जा रही है? ते मैं हुने दा करा की? चार लोग का आगे मेरी तो बेइज्जती हो जानी है। मैं तो क्या सीगा लोगों ने, मेरे तक मुंडा आने वाला है, मैं तो मिठाइयां भी बना के रखिया हुई सी। माँ एक और तकलीफ है। ते हुन ने केड़ा स्यापा पालिया तुसी? माँ ये जो हमारी बेटी है वो एक दृष्टिबाधित है। हाय ओ मेरे रब्बा, एक ता कुड़ी ते दूजा अन्नी, हुन मैं की करा? चार लोग आगे मेरी बेइज्जती दा पक्की है। चुप हो जा माँ, कुड़ कुड़ करती रहती है। अच्छा संदीप तू माँ के पास बैठ, मैं जा रहा हूँ। कुड़ कुड़ नहीं कराते, की करा मेरी उत्तो? चुप कर जा, क्यों तू भौं नु बोली जा रही है? तेनू वड्डा पता है, जरा मैं मत, जरूरी है
किसी की मदद करने के लिए जान पहचान होना। अगर इसकी जगह तुम्हारी माँ बहन या बेटी होती तो क्या तुम तभी इनके साथ ऐसा ही करते? चल भाई, बहुत दिमाग खा रही है। आज से इस कॉलेज में तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? आप हमारी दोस्त कैसे बनोगे? हम तो दृष्टिबाधित हैं ना। क्यों, दोस्ती करने के लिए दृष्टि होना जरूरी है क्या? थैंक यू हमारा दोस्त बनने के लिए। चलो क्लास में चलते हैं। यार आज तो टेस्ट है ना? हाँ टेस्ट है। यार आज तो मुझे कुछ भी नहीं आता। चलो देखते हैं। चल आ जाओ। ओए मैम आ गई। मैम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप सबको कंप्यूटर पे लेटर टाइप करना सिखाया था, आज वो सब आप लोग हमें दोबारा करके दिखाओगे। चलिए करिए, देखती हूँ कौन सबसे पहले करता है। अरे यार, किन अंधों को बिठा दिया कंप्यूटर पे? हाँ भाई, किनको बिठा दिया? इनसे खुद का काम तो होता नहीं है, क्या लेटर टाइप करेंगे? चल इनसे पहले हम करके दिखाते हैं। हाँ। मैम हमारा हो गया है। इनका कैसे हुआ यार? ये तो अंधे हैं, फिर भी कैसे हो गया? पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। झूठ बोल रहे हैं, चल देखते हैं। हो गया आप सबका? यस मैम। तुलसी और मनीषा पहले आप अपना काम दिखाइए। देखिए मैम। अरे वाह तुलसी और मनीषा, आप दोनों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। थैंक यू मैम। मुझे पूरा यकीन है आप दोनों आगे चलकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए अब आप दोनों दिखाइए अपना काम। मैम हमारा नहीं हुआ। हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? वैसे तो आप दोनों तुलसी और मनीषा का दृष्टिबाधित होने का मजाक उड़ाते रहते हो, और आपका खुद का ही नहीं हुआ? कुछ तो सीखिए तुलसी और मनीषा से। जिसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता होती है उसे कोई भी विकलांगता उनके रास्ते की बाधा नहीं बन सकती। तारीफ मिली है, तारीफ मिली है। विकलांगता और कोई नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति की क्षमताओं को उसकी विकलांगताओं के साथ जज किया जाता है। ये हमारे समाज की एक ऐसी सोच है जिसे बदलना बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, सोच को बदलना जरूरी है। जैसा कि आप सबने देखा, तुलसी और मनीषा ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, इसी के साथ वो दोनों एक अव्वल दर्जे पे आई हैं। चलिए आगे चलकर देखते हैं होता क्या है। नी कुड़े, तन्नू आ चलाना नहीं आता है जरा? तू डब्बा जा लेके बह गई है इत्थे। क्या हुआ दादी, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप मेरे साथ? और मैं नहीं तो की कहां, तू मेरे मुंडे दे सारे पैसे बर्बाद करन ते लगी हुई है, ते हुन मेनू कहंदी है जबान लड़ाऊंगी मेरे अगे। दादी तो क्या हुआ अगर मैं लड़की हूँ और दृष्टिबाधित हूँ? मैं भी वो सब काम कर सकती हूँ जो आम लोग कर सकते हैं। ए तो वजह मेनू ना मुंडा चाहिदा सीगा ते तू हो गई इत्थे साडी जान नु सैंपा पाण वास्ते। पता नहीं कित्थों कित्थों आ जांदे आ मुंह चक चक के। हाय हाय इन्हें, मैनू बचाओ। दादी क्या हुआ आपको? दादी आपको क्या हो गया? दादी मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। दादी तेनू फोन आ गए चलाना, तू की बुलाऊंगी डॉक्टर? दादी आप रुकिए, मैं अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज हमारे घर जल्दी आ जाइए, मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी आइए डॉक्टर प्लीज। दादी अभी डॉक्टर आते ही होंगे। डॉक्टर देखिए ना मेरी दादी को क्या हो गया, आप उन्हें चेक कीजिए ना प्लीज। दादी मेरी ठीक है ना डॉक्टर साहब, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे बिल्कुल सही समय पर कॉल करके बुला लिया, और थोड़ी देर से और हो जाती तो शायद कुछ भी हो सकता था, शायद उनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या आप दृष्टिबाधित हो? हाँ डॉक्टर मैं दृष्टिबाधित हूँ। कॉल कैसे? डॉक्टर मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ इस काम के लिए, मैं वो सब कर सकती हूँ जो आम लोग कर सकते हैं। कंप्यूटर चला सकती हूँ, फोन चला सकती हूँ, और हर
चाहिए। धन्यवाद मेरा नहीं अपनी पोती का कीजिए जिसने मुझे सही समय पर कॉल किया और जिनकी वजह से आप आज जीवित हो। सही समय पर कॉल नहीं करती तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, आप जान भी जा सकती थी। अंधेरा तो क्या हुआ, वो आज दृष्टिबाधित भी वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वो लोग सही कह रहे हो कितने है मेरी पोती में उन्हें मिलना चाहिए ना चाहिए। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप अभी इनसे मिल सकती हो। दादी आप ठीक हो ना? कुड़े मेनू माफ कर दे, जिवें दा सलूक मैं तेरे नाल कीता ओ तां मैनू रब ने माफ नहीं कर सकदा। ते मैं तेरे ते जिन्नियां माफियां मंगा ओ मेरे लिए बहुत घट ने, तू मैनू माफ कर दे, मैं तेरे अन्ने होने दा मजाक उड़ाया आ। दादी ये मेरा फर्ज था। अज मैं सारे समाज नु कहना चाहनी हां बेशक मेरी पोती एक अन्नी आ फिर भी वो सब काम कर सकती है जेड़े आम लोग कर सकते ने, ते तुसी भी मुंडियां नालों कट ना समझा करो कुड़ियां नु। थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत अच्छा प्ले। थैंक यू वेरी मच। सभी कलाकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति हम सब के लिए प्रस्तुत की। स्पेशली थैंक्स रिचा मैम का जिन्होंने इनको इतनी मेहनत से इस प्ले को तैयार करवाया, और साथ में ममता मैम रिचा मैम जिन्होंने भी इस टीम के साथ लगे रहे और इतने दिनों की मेहनत से जो इस प्ले को तैयार करवाया और ये संदेश जो आप सब तक पहुंचा और उस पहुंचने को साकार बनाने में जिन जिन का भी सहयोग रहा है उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब आपके सामने एक कविता लेकर आ रही हैं मनीषी मित्तल जी, जो गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनी माजरा में टीचर हैं। मनीषी जी भी बाद में दृष्टिबाधित हुई हैं, लेकिन इनके हौसले की, इनके जज्बे की दाद देनी चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को बहुत संभाला और आज एक कामयाब जिंदगी जी रही हैं। क्योंकि बाद में दृष्टि जाने के बाद अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी जीती जाती मिसाल मनीषी जी हमारे साथ में हैं। तो एक बार मनीषी जी के लिए जोरदार तालियां, वो अपनी कविता लेकर आप सबके सामने। हेलो, आ रही आवाज? हेलो जी मैम। ठीक है, ओके। शुभ प्रभात आप सभी को, आप सभी का सादर अभिवादन। बच्चों ने जो नुक्कड़ नाटक किया है बहुत ही अच्छा किया है, और जैसे कि इस नाटक में बताया गया है कि एक दृष्टिबाधित भी बहुत आगे तक जा सकता है, वह भी एक कामयाब इंसान बन सकता है। उसकी एक जीती जाती मिसाल मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। शायद अगर मेरी दृष्टि ना जाती तो आज मैं यहाँ उपस्थित ना होती, एक सरकारी नौकरी में ना होती और अपने पैरों पर खड़ी ना होती। मेरे हौसले, मेरा जुनून और सेक्टर 26 इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्लाइंड के मिस्टर अश्विनी कुमार जो मेरे सर हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं मिस्टर विनोद चड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और इन छोटे बच्चों को बधाई देती हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्ले किया। उसी प्ले के उपलक्ष्य में आज बेटियों के ऊपर मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की जो घर में जन्म लेती है, घर की एक घर को महकाती है, वो कैसे रिश्ते निभाती है, और अगर वो ना हो तो क्या होगा। पायल की छन छन से छन के बन कंगन, पायल की छन छन से छन के बन कंगन, ओस की बूंदे हैं हम लड़की मन है एक दर्पण, ओस की बूंदे हैं हम लड़की।
दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, लड़के हैं वो फ्रेम के जिसमें हम तस्वीर सजाते, हाथों की खाली रेखाओं पर किस्मत बन जाते, हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन, और सजता है यौवन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, कभी गीत है कभी गजल है ओझ कभी श्रृंगार, हर खूबी से निभा रही है अपना हर किरदार, चांद सितारे छुआए हम, चांद सितारे छुआए हम, तोड़ के हर बंधन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, हम ही हैं वो माँ जिसने इस दुनिया को है बनाया, पत्नी भाभी बहना बेटी के रिश्तों से सजाया, मत रोंदो हम कलियों को, हाँ मत रोंदो इन कलियों को, मिट जाएगा उपवन, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, ओ उसकी बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण, मन है एक दर्पण, मन है एक दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषी जी आपकी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। और वाकई बेटियां जो हैं वाकई एक घर का एक खूबसूरत वो सदस्य हैं जिनको देखते ही एक चेहरे पे मुस्कान हम सबके सामने आ जाती है। ये बात वही महसूस कर सकता है जो सच में खुद एक बेटी का बाप हो। तो आपकी इस कविता ने सच में मुझे भावुक कर दिया, और एक बार मनीषी जी के लिए सच में जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ के ऊपर, जो उस उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पंजाब एंड चंडीगढ़ ब्रांच की तरफ से। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं कि दृष्टिबाधित के लिए आज का जो समय है टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत ही उत्तम समय, जिसको हम कह सकते हैं कि हम जिसमें जी रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं और जिनको यूज़ करके हम अपने सभी कामों को पूरा करते हैं और हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं। और आजकल के सिनेरियो में तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कोविड के बाद से, क्योंकि चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन असाइनमेंट्स भेजनी हो या ऑनलाइन पेपर देने का जो आजकल चलन चला है, उससे दृष्टिबाधित भी छूता नहीं रहा। इसीलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि ये जो आज का सिनेरियो है इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें और इससे थोड़ा सा भी पीछे रह जाएं तो हम शायद आज बहुत कुछ खो देंगे, और टेक्नोलॉजी के बिना हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप आज घर बैठे मोबाइल से एक ऐप से बटन दबाते ही कोई भी फैसिलिटीज़, चाहे वो खाना हो चाहे वो दवाई हो चाहे वो कोई भी सुविधा हो, घर पर उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी बात को लेकर के आज हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा संजीव गांधी जी को, संजीव गांधी जी के लिए तालियां हो जाए, जो चंडीगढ़ में एक बहुत जाना माना नाम है, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड पंजाब एंड चंडीगढ़ ब्रांच के, और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चंडीगढ़ में इस समय
एज ए क्लर्क काम कर रहे हैं, बहुत ही टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेटेड रहते हैं और हमारे हर कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी तरह से उस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पे मिस्टर अमरिंदर सिंह को, अमरिंदर सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां होंगी, जो इस समय प्रेसिडेंट हैं RCS पॉजिटिव एबिलिटीज रोट्रैक्ट ग्रुप के, साथ ही में असिस्टेंट मैनेजर हैं पंजाब एंड सिंध बैंक में। और टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी जानकारी इन्हें है शायद मैं जानता हूं कि बहुत ही कम लोगों को होगी, या जानकारी होना एक अलग चीज़ होती है लेकिन उसका यूज़ किस तरह से करना है उसके बारे में अमरिंदर जी और संजीव जी हमारे यूथ आइकन हैं, जो आप सभी की समस्याओं को बहुत ही बारीकी से दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लास्ट में लेंगे, अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है या कोई एक्सेसिबिलिटी इशू किसी भी तरह का आता है तो आप अमरिंदर जी और संजीव गांधी जी से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं माइक हैंडओवर करूंगा इन दोनों को कि वो आएं और आज के इस कार्यक्रम में जो अपने व्यूज़ हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजीज और आज के बदलते सिनेरियो को लेकर के कि कितनी ज़रूरी हो गई है टेक्नोलॉजी हमारे सबके लिए और कितना ज़रूरी है अपडेटेड रहना, इन सब के बारे में अमरिंदर जी और संजीव जी अब आपसे बातचीत करेंगे। अमरिंदर जी एंड संजीव जी, ओवर टू यू, एक बार ज़ोरदार तालियां। ऑल ऑफ यू, आदरणीय विनोद चड्डा सर, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के ऑनररी प्रेसिडेंट, नितिन आनंद सर वाइस प्रेसिडेंट, अनिल आहूजा सर जनरल सेक्रेटरी, और जितने भी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमारे कोर मेंबर्स हैं और इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से आए हुए अध्यापकगण और हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं महेश इंद्र सर, आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस तरह एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइसेस, इस पर ये एक छोटा सा जो है प्रोग्राम होने जा रहा है, तो इस उपलक्ष में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो गोष्ठियाँ हैं, ऐसे प्रोग्राम हैं, वो निरंतर होने चाहिए और असिस्टिव डिवाइसेस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता। आज एक दृष्टिवान व्यक्ति के लिए भी ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो तो एक वरदान है ही, और दृष्टि बाधित के लिए अगर मैं कहूँ तो ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा साधन है जिससे हम अपनी एबिलिटी को जो है सबके सामने जो है उजागर कर सकते हैं। कई लोग, क्योंकि पहले का अगर जो टाइम था उस टाइम में हम एक लिमिटेड चीज़ों तक सीमित थे, पर टेक्नोलॉजी के आ जाने से हम कई चीज़ों को एक्सेस जो है कर पा रहे हैं। और जो आजकल एक बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया है COVID-19 का, उसने तो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से अभी जूम या गूगल मीट और जितने भी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चल रही हैं, वेबिनार्स चल रहे हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं और अन्य तरह की गोष्ठियाँ चल रही हैं, तो आप मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं अटेंड भी करते हैं, क्योंकि मैं भी कई वेबिनार वगैरह अटेंड करता हूँ, तो मैंने मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर देखा है। और यूट्यूब के माध्यम से तो बहुत सारे लोगों तक टेक्नोलॉजी, एक्सेस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जितनी भी जानकारी है वो मैक्सिमम लोगों तक जो है पहुंच रही है। तो अब मैं माइक देना चाहूँगा अमरिंदर को, क्योंकि समय जो है वो बहुत कम है और हमारे जो चीफ गेस्ट है वो भी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं अमरिंदर को जो है माइक देना चाहूँगा कि वो भी अपने जो व्यूज़ हैं इस कार्यक्रम को लेकर वो आप सबके समक्ष रखेंगे। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन,
तो संजीव भाई ने जैसे आपको बताया कि आज के सारे प्रोग्राम का जो एक वीरवा है आप सभी को दिया, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि संजीव भाई बात कर चुके हैं। तो आज का जो समाज है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गया है, चाहे आप विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ में तो उसका महत्व है ही है, तो उसकी इम्पोर्टेंस है वो हर इंसान की ज़िंदगी में हो गई है। आप जैसे डेली लाइफ में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसको टेक्नोलॉजी को एज अ विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ को कैसे इम्पेक्ट कर रही है उसको देखना होगा। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप, सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप ब्लाइंड हैं, आप किसी से अलग हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं जानता हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के, ब्लाइंड होने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं। अगर आप देखेंगे कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, आपको हर चीज़ में उसकी वजह से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो जाए, चाहे वो टैक्सेशन में आपको रिबेट्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ में, और उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है जो मुझे लगता है कि आज तक आपको किसी लाइन में लग के नहीं खड़ना पड़ा होगा। अगर आप कहीं विजुअली इम्पेयर्ड हैं, चाहे 100 बंदों की लाइन लगी हुई आप साइड से निकल के सबसे आगे चले जाते हैं भी हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो आपको उसको बेनिफिट मिलता है। तो अब बात रही टेक्नोलॉजी की, अब टेक्नोलॉजी को हमें अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि डेली लाइफ में आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं जाना है, उसके लिए ट्रैवलिंग के लिए कैब्स अवेलेबल हैं, बाइक्स अवेलेबल हैं, वो आपकी फाइनेंशियल जो पॉकेट कितना अलाउ करती है आप उस हिसाब से चाहे कैब बुक करना चाहिए कैब कर सकते हैं, और कुछ भी बुक करना चाहिए, अगर आप बाइक बुक करना है, अगर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन आपको अलाउ नहीं करे तो बाइक बुक कर सकते हैं, वो सस्ता पड़ता है। उसके बाद जो आजकल एक कोविड के बाद भी एक नया सिनेरियो बना है कि आजकल जो कंपनीज हैं, चाहे ऊबर होगी, ओला होगी, रैपिडो होगी, तो इन्होंने जो नई सर्विस शुरू की है कि अगर आप कोई चीज़ कहीं यहाँ से वहाँ भेजना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं, आपको खुद नहीं जाना पड़ेगा या किसी को फ़ोन करके बोलेंगे भी मेरा, जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं कि मेरा मोबाइल घर रह गया तो मेरे को वो भिजवा दे, उसकी शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आजकल कंपनीज वो सर्विसेज दे रही हैं कि आपको, जिससे आप अपना सामान कहीं भी मंगा सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि रुपेश कुमार जी, असिस्टेंट कमिश्नर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सर का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ एंड पंजाब राज्य की तरफ से, मैं पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से और हमारे जितने भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोगों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आज हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज़हे नसीब हमारे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर भी खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं और बहुत ही अभी कुछ समय पहले ही जो है ब्लाइंड हुए हैं, और सर का जज्बा इतना ज़बरदस्त रहा कि सर ने IAS क्लियर किया और अभी सर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बीच में, और ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि सर को चंडीगढ़ में आने का मौका मिला और हम सर के सर हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही, हम अपने आप को एक प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे बीच में सर आज मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे प्रेसिडेंट श्री विनोद चड्ढा सर से कि वे एक बुके देके हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के वाइस प्रेसिडेंट नितिन सर से कि वो भी साथ में आए। सविता मैम, नितिन सर, आप भी प्लीज, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सर से कि वो आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं श्री महेश इंदर सिंह सर, उनको भी एक बुके देके सम्मानित करें। थैंक यू सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारे मुख्य अतिथि के आने से पहले, जैसे हम बात कर रहे थे कि सर आजकल टेक्नोलॉजी का जो
सिनेरियो है काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड का टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रहना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बदलते सिनेरियो में कोविड के बाद से, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, इसमें अब हम टेक्नोलॉजी पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुके हैं, और उसका जानना और उसके बारे में बातचीत करना आजकल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे या इसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड चंडीगढ़ एंड पंजाब ब्रांच के ऑनररी प्रेसिडेंट श्री विनोद चड्ढा सर से कि वो आएं और नैब की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दें और आज के हमारे गेस्ट का वेलकम करें। श्री रूपेश कुमार आईएएस, असिस्टेंट कमिश्नर चंडीगढ़, श्री महेश इंदर सिंह हमारे आज के कीनोट स्पीकर, मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्त मित्र, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स, बैंक्स के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़, और आप सब जो यहाँ पे आज पधारे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसने एक सामान्य आदमी और एक दृष्टिबाधित के बीच का फासला लगभग ख़त्म ही कर दिया है। एक वक्त था 17 साल पहले जब हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी का इतना उस टाइम आना शुरू हुई थी और हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे, तो मुझे याद है कि हमने कीर्ति को, हमारे पास पहली टीचर आई थी कंप्यूटर की, उनको मानसा से लेकर आए थे हम, उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, हमने पीजीआई के वर्किंग वेमेन हॉस्टल में स्पेशल परमिशन लेके उनको यहाँ रखा था, और उस दिन से लेके आज तक हम लोग आगे बढ़ते ही चले गए हैं। लेकिन आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जो खुशी हमने कम से कम पिछले 17 सालों में लगभग 100 फंक्शंस किए होंगे, हमारी संस्था सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव थी फंक्शंस के अंदर, क्योंकि हमारे विजुअली चैलेंज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, लेकिन जो खुशी आज के दिन मुझे हो रही है ऐसी खुशी हमें कभी भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आज रुपेश कुमार जी का हमारे पास इस पद पे आना और आज हमारा मुख्य अतिथि होना, इसने लगभग हमारे सारे सपनों को साकार कर दिया है। जो गौरवान्वित हम इनके आने से आज हमारे मुख्य अतिथि हो रहे हैं, हमारे पास बहुत माननीय लोग यहाँ पे मुख्य अतिथि रह चुके हैं। 2004 का हमारे पहले फंक्शन में हमारे डीसी साहब अरुण कुमार जी उस टाइम होते थे, हमने उनको बुलाया था। लेकिन जो एक अंदरूनी खुशी आज की है वो हम आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने पिछले 17 सालों में कीर्ति से पढ़कर, संजीव ने, फिर अमरिंदर और रोहित, शिव, मीता, इन सब ने धीरे 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 करके सब ने हमारे साथ एज स्टूडेंट्स आए, अब ये सारे सक्सेसफुल एम्प्लॉइज बन गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे चले गए, सबकी मैरिजेज हो गई, तो इन सारों के पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। अब आज के दिन संजीव अपने घर से, या अमरिंदर या शिव, ये अपने आप ही अपनी कैब बुक कराता है, किसी से पूछता नहीं कहाँ जाना है। मैं ये भी कह दूं कि मेरे ऑफिस से आप नीचे का कोई छोड़ आएगा तो कहते नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कैब बुक करा ली, हम अपने आप जाएंगे और ले लेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस आई है सारी, वो प्योरली टेक्नोलॉजी के सिर पर आई है। तो हमने ये आज का कार्यक्रम जो था वो इसलिए ही रखा था कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को आगे जाते जाएंगे, उतना ही आप लोग एक सामान्य आदमी के ऑलमोस्ट पास में आ जाओगे। जो चैलेंजेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, वो अब हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर डाली हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिना वक्त लिए आज ये कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा महेश इंदर सिंह जी को। आज से बहुत बहुत साल पहले भी हमने अपने पास इसी तरह ही कीनोट स्पीकर बुलाया था, मैं इनको खुद बस स्टैंड से जाके लेके आया था,
और उसके बाद फिर हमने इनको एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जो विजुअली चैलेंज्ड का हुआ था उसके अंदर भी हमने इनको बुला के किरण खेर जी और अभिनव बिंद्रा से ऑनर किया था। इनकी योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में आपको क्या बताएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इनके मुकाबले का आज भी कोई सॉफ्टवेयर के अंदर या कंप्यूटर्स में नहीं है। इन चारों पांचों स्टेट के अंदर ये कंप्यूटर को यूज करने वाले शायद पहले व्यक्ति थे। तो एक बार महेश इंद्र सिंह जी ने जोरदार तालियां। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, तो इसी के साथ मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं शिव जी को कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका जो प्यार स्नेह और आशीर्वाद है इसी तरह ही हमें मिलता रहता है। चड्डा सर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कभी भी सर को हम फोन कर लें तो एक एनर्जी जो पॉजिटिव वेव्स आती हैं वो बहुत ही कम लोगों से आती हैं। तो एक बार हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। हर समय कुछ ना कुछ वेलफेयर के बारे में सोचते रहते हैं और जितना हो सके उससे दुगनी क्षमता से ही कार्य करते रहते हैं। सो अब मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे जो कार्यक्रम के हमारे कीनोट स्पीकर हैं महेश इंद्र सिंह जी, सर आप स्टेज पे आ जाइए प्लीज। सर को स्टेज पर ले आए। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर ने ट्रिपल एमए की हुई है और चौथी एमए की तैयारी है। एमए इंग्लिश, एमए पंजाबी एंड एमए रिलीजियस साइंस। तो अभी सर एक नवचेतना सोसाइटी के नाम से एक स्कूल फॉर द ब्लाइंड भी रन कर रहे हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में एक पंजाबी जो सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड में जो पहला पंजाबी ई स्पीक सॉफ्टवेयर बना है ई स्पीक के नाम से, वो सर ने ही इजाद किया है। और अभी एक सर रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में सर आप सबको ज़्यादा जानकारी देंगे। और हमने सोचा क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इनसे अच्छा स्पीकर कोई नहीं हो सकता, जैसे सर ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में इनसे जो फर्स्ट पंजाब हरियाणा और हिमाचल में फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर यूज़ किया था और उसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2013 में इन्हें यंग अचीवर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब निवेदन करूँगा कि सर अपनी बातचीत को जारी रखें। उससे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कोविड नॉर्म्स का ज़रूर पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क पहने रखें तथा एक कुर्सी छोड़कर ही बैठें जिस हिसाब से आप सभी को हमारे वॉलेंटियर्स इंस्ट्रक्ट करेंगे और आप उसी तरह से ही कार्य करें। और अपने अपने फ़ोन कृपया साइलेंट कर लें ताकि आज के इस कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान पैदा ना हो। और सर के लेक्चर के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखेंगे जिसमें आप सबकी जो भी क्वेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो सर कोशिश करेंगे कि यथासंभव उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसी के साथ हमारे दोनों साथ में स्पीकर्स अमरिंदर सिंह और संजीव गांधी जी भी सर के साथ में ही रहेंगे, सर को असिस्ट करेंगे। तो आपको कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, हम आपको पूरा समय देंगे। सर जब बोल रहे हैं तो बीच में कृपया उनको डिस्टर्ब ना करें, सभी अपने अपने फ़ोन साइलेंट कर लें। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर से निवेदन करूंगा कि सर प्लीज़ अपने व्याख्यान को शुरू करें। ओवर टू यू सर, एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुँच रही है सब तक? जी, थैंक यू। शिव आपका धन्यवाद और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा NAB चंडीगढ़ पंजाब ब्रांच को और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर माननीय गण प्रस्तुत हैं, जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर अध्यापक गण, स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ क्योंकि हम ऐसे चैलेंजिंग टाइम के ऊपर इकट्ठा है जिसमें कि लोग सोचते हैं कि
कम से कम बाहर निकला जाए, लेकिन आप सबका सीखने का या बात करने का, मिलने का जो जज्बा है, उसके लिए तालियां मुझे लगता है ज़रूर होनी चाहिए। शुक्रिया। और स्टार्टिंग जब मैं करूँ तो सबसे पहले एक छोटा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है महेश इंदर सिंह खोसला, पंजाब पटियाला का रहने वाला हूँ। और जो मेरी ये समस्या है जो ना देख पाने की, ये 5 साल की उम्र में स्टार्ट हुई। आरपी, जो लोग दृष्टिबाधित हैं उनको पता ही होगा ज़रूर कि आरपी एक बीमारी है जिसमें कि धीरे धीरे जो आपकी देखने की क्षमता है वो कम होती जाती है। और इसी के साथ मेरी साथ साथ पढ़ाई भी चलती रही और साथ साथ एक बीमारी का इसका सिलसिला भी चलता रहा। बाद में जब थोड़े बड़े हुए, मैं बीच बीच में एक स्टोरी की तरह ही इसको कंटिन्यू करता रहूँगा, जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो फिर चैलेंजेस समझ आए, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो मेन स्ट्रीम स्कूल से थी, तो वहाँ अपने आप को ऐसा लगा करता था कि शायद मैं ही कोई अकेला हूँ जिसको ये समस्या है, क्योंकि आसपास सभी नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। और दिक्कत इसलिए फील नहीं होती थी कि जो यहाँ पर पेरेंट्स भी कई होंगे जिनके बच्चे को कोई ना कोई किसी तरह की डिसेबिलिटी होगी, तो मेरे मदर जो थे उन्होंने मेरा वही स्कूल जिसमें मैं स्टडी कर रहा था उसको एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया, ताकि मुझे जो वहाँ पर समस्याएँ आने वाली हैं उसमें वो मेरी मदद कर सकें। तो पेरेंट्स का हम कभी भी धन्यवाद जितना करें उतना कम है। और थोड़ा थोड़ा समझ लें, अगर वैसे तो आप सब इस चीज़ से जानकार होंगे ही, क्योंकि यहाँ अध्यापकगण भी हैं और सोसाइटी के और पर्सन्स भी हैं, कि डिसेबिलिटी असल में है क्या। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, जैसे ये हॉल है हमारे सामने और इसमें एंट्रेंस का एक गेट है, अगर मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर हॉल बनाएँ और उसके बाद इस गेट को छत पे बना दिया जाए नीचे अंदर आने के लिए, तो क्या ये हॉल एक्सेसिबल रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि जितने भी व्यक्ति होंगे ये सबके लिए ही एक्सेसिबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनके लिए अंदर आना बाहर निकलना बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। उसी हिसाब से डिसेबिलिटी कोई अलग ऐसी समस्या नहीं है, जिस तरह की दुनिया ये डिज़ाइन हुई है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति जिस तरह से ज़िंदगी में जीते हैं ये दुनिया को शेप उसी तरह की धीरे धीरे मिलती है। बिल्डिंग्स ऐसी बनी, स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते गए, रहने का ढंग ऐसा, हमारे इवन कल्चर ऐसा होता गया, और जिसके साथ बहुत सारे टैबूज भी जुड़ते गए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई जो आजकल हम लोग बातें करते हैं, सारा सैकड़ों सालों का एक इकट्ठा संस्कार है जो हम तक पहुँचा हुआ है। उसमें ये जो शब्द भी थे वो भी अपने माने बदलते रहे। सबसे पहले हैंडीकैप यूज़ होता था शब्द, वहाँ क्या था कि यूरोप में ज़्यादातर उन एरियाज़ में जो इस तरह के व्यक्ति थे जो किसी कारण से सक्षम नहीं थे, वो एक हाथ में कैप रख के बैगिंग का काम कर लिया करते थे, वहाँ से एक कॉनोटेशन जुड़ गई कि जी हैंडीकैप। लेकिन धीरे धीरे देखिए फिर शब्द बदल गए, फिर डिसेबल हो गया, फिर डिफरेंटली एबल हो गया, और अभी पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़, ये टाइम के साथ शब्द क्यों चेंज हुए? अगर वही सिनेरियो रहता तो शायद चेंज ना होते, लेकिन समाज में जो दृष्टिबाधित हैं या बाकी जो समस्याएं हैं जिनको, उन्होंने अपना योगदान बढ़ाया। जैसे जैसे वो योगदान बढ़ता गया वैसे वैसे शब्दों का भी अर्थ बदलता गया, और आज की डेट में जैसे चड्डा जी कह रहे थे कि ये दोनों का फासला कम होता जा रहा है। तो अगर हम समाज में सारी बिल्डिंग सारी चीज़ें ऐसी बना दें जिसमें कि एक आम व्यक्ति जिस तरह से आता है उसी तरह से व्हीलचेयर यूज़र भी आ सके, दृष्टिबाधित भी आ सके, वो बिल्डिंग के पहले डोर से लेके लास्ट फ्लोर तक एक्सेस हो सके, बंदे बिल्डिंग एक्सेसिबल, और डिसेबिलिटी के माने अपने आप बदल गए। अब सेकंड बात करते हैं टेक्नोलॉजी, ये तो भी बेसिक स्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी ने क्या चेंज लेके आया हमारे समाज में? आज से ज़्यादा पीछे नहीं हम जाएंगे, जिस वक्त हम स्टडी कर रहे थे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या था? टेप रिकॉर्डर्स। सब जो पुराने हैं या फिर कुछ ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन जिनकी भी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है, वो समझ सकते होंगे कि पढ़ाई का उस वक्त का ढंग ये था कि आप कैसेट्स में रिकॉर्डिंग करते थे, बाद में उसको प्ले करते थे। आप में से हैं जिन्होंने ऐसा स्टडी किया हुआ? यस सर, यस सर। तो अब कंपेयर करके अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से देखें, धीरे धीरे क्या हुआ
थोड़े सीडी प्लेयर्स आए, मुझे आज भी याद है कि सबसे पहला जो मैंने एक प्लेयर लिया था वो प्लेयर क्या था, 90 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग करता था सिर्फ। आज की डेट में मुझे लगता है कोई लिमिट ही नहीं है, हम जितनी रिकॉर्डिंग अपनी डिवाइसेस में कर सकते हैं। फिर सीडी प्लेयर्स आए, डीवीडीज आए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होती रही और उस टेक्नोलॉजी ने मदद करी हम लोगों को कि हम एक आम वो काम भी कर सकें जो कि नॉर्मल व्यक्ति जो देख सकता है वो करता है। टेक्नोलॉजी ने हमें इनेबल किया। पर अब बात यह है कि हम यहाँ जो बैठे हैं, हो सकता है हम सभी प्रिविलेज्ड हों, हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिन तक टेक्नोलॉजी ना पहुँची हो। अभी गाड़ियाँ सारी इंडिया में अवेलेबल है ना, कार्स, राइट? क्या हर एक व्यक्ति के पास कार है? अभी नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि शायद आने वाले 20-25 साल में सबके पास गाड़ियाँ होंगी। सॉरी, मैंने ही सबसे पहले गड़बड़ की हुई है, एक सेकंड में अपना मोबाइल यूज करूँगी जी। तो 20 साल के बाद हम सोच सकते हैं कि जिस हिसाब से 20 पुराने 20 साल में आप देखें गाड़ियाँ, हर घर में एक गाड़ी तो लगभग आज की डेट में पहुँचनी शुरू हो गई है अगर सिटीज़ में देखें तो, धीरे धीरे हर व्यक्ति की भी शायद अपनी इस तरह की व्हीकल्स अवेलेबल हों उनको। उसी हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजी है ये आज की डेट में कंपैरेटिवली देखें सब तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ये थोड़ी कॉस्टली है। जैसे जैसे ये सस्ती होती जाएगी, सब तक पहुंच जाएगी, उस वक्त हम मानेंगे कि हाँ आज की डेट में सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और कोई भी बाधित नहीं रहा। और उस टेक्नोलॉजी को अगर देखें कि ज़िंदगी में हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमारी ज़िंदगी को हम अगर मोटे मोटे हिस्सों में बांटें तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जिस वक्त हम पूरी अपनी स्टडी कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं सारी नॉलेज, पहला पक्ष तो यही रहेगा आई थिंक। दूसरा हुआ कि जब हमने अपनी स्टडी कंप्लीट की, अब हम जाएंगे सोसाइटी में, समाज में अपना कोई काम करेंगे और सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ये हमारा ज़िंदगी का सेकंड फेज है जिसमें अपना परिवार भी बनेगा या जिस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को मूव करेंगे वो ज़िंदगी चलेगी। थर्ड आ जाएगा जब हम हमारी रिटायरमेंट या हम ज़िंदगी को काम को बाय बाय कर देंगे और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आराम का, वो कोई भी एज हो सकती है, गवर्नमेंट है तो 58 हो सकती है, 60 हो सकती है या कोई हो सकता है 70 में अपना बिजनेस छोड़े। मोटे मोटे ये तीन ही फेज रहेंगे लाइफ में, राइट? ठीक है। अभी उसमें सबसे पहला हम एक एक करके चलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें पहले फेज में भी काम आए, दूसरे में भी, तीसरे में भी, हो सकता है कुछ पहले के लिए हो, दूसरे के लिए ना हो। तो पहले में जब हमें एक बच्चा है, घर में बच्चा पैदा हुआ, हमने नाटक भी देखा है, जब बच्चा पैदा हुआ तो परिवार में सबसे पहले एक चिंता का विषय ये होता है कि इसकी परवरिश अब कैसे की जाए। बहुत सारे परिवारों को नहीं पता होगा कि कैसे इस बच्चे की पढ़ाई होगी और क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, ये पढ़ भी सकता है कि नहीं पढ़ सकता। तो वहाँ अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इतना पॉपुलर कर दें, मान लीजिए हमारे मीडिया में भी ये चीज़ें इतनी शेयर होनी शुरू हो जाएँ कि हर एक व्यक्ति तक ये नॉलेज पहुँच जाए कि हाँ अगर दृष्टिबाधित है लेकिन वो पढ़ सकता है, अगर ये इंफॉर्मेशन हो तो मुझे लगता है फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा। बहुत सारे जो दृष्टिबाधित हैं उनके साथ एक, मुझे लगता है कि आप सब अग्री करेंगे, उनकी जो बेसिक एजुकेशन है स्टार्टिंग वो इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि टाइमली उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, स्कूलिंग नहीं हो पाती, उससे दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब हमने स्कूल में बच्चे की एडमिशन करवा दी, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं आज की डेट में। सबसे पहले ये था कि भाई सबको लाया जाए एक स्पेशल एजुकेशन जहाँ पर मिलती हो, वहाँ पर उनको बेसिक एजुकेशन दी जाए, फिर उनको समाज में नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। आज की डेट में क्या हो रहा है, नए नए प्रोग्राम्स बन रहे हैं कि शुरू से ही वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़ें, लेकिन उनको जो स्पेशल हेल्प चाहिए वो NGOs या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाए। आजकल ऐसा ही है, ज़्यादा यही चलन बढ़ रहा है ना जी। तो उसमें अब एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जब एक व्यक्ति जाएगा, एक बच्चा जाएगा, स्टूडेंट जाएगा, तो उसको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक बैग, उसका सिलेबस, उसकी बुक्स, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर एक दृष्टिबाधित वहाँ जाएगा और बैठेगा तो उसे भी यही चीज़ें चाहिए, लेकिन जो हार्ड कॉपी होगी अगर उसको दे दी जाए तो उसके किसी काम की नहीं है। फिर क्या है कि उसे एक्सेसिबल बनाया जाए,
तो बनाने के कौन कौन से ढंग हैं आप सब शायद जानते होंगे। पहला, उसको ऑडियो में रिकॉर्ड किया जाए। दूसरा, उसकी ब्रेल बुक बनाई जाए। तीसरा, उसको ई बुक के तौर पे बनाया जाए। यही माध्यम है। फिर उसमें ये हो सकता है कि आप ईपब फॉर्मेट में कर लें, जिसमें टेक्स्ट ओनली भी हो सकता है, टेक्स्ट एंड ऑडियो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यानी एक बच्चा जब स्कूल की क्लास में गया, अगर हमने उसको सारी उसकी बुक्स दे दी, तो उसकी चैलेंज जो है सबसे बड़ा, वो तो एलिमिनेट हो गया, राइट। अब सेकेंड फेज में क्या रहेगा, जो टीचर है, जो पढ़ाने वाले हैं, जो अध्यापक हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति की, इस बच्चे की ज़रूरतें क्या हैं, ताकि उसको इन ज़रूरतों से पढ़ाया जा सके, उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। सबसे पहली ज़रूरत है जी ब्रेल, ब्रेल से पढ़ा जाता है। दूसरा, जो अभी हमने बुक्स अभी बात की, वो बुक्स की। लेकिन तीसरा, आज की डेट में टेक्नोलॉजी जिसमें कि डायरेक्टली इंटरव्यू होती है, करती है, वो ये चीज़ है कि हार्ड बुक्स को भी स्टूडेंट एक खास एज के बाद डायरेक्टली पढ़ सकता है। उसको ज़रूरत नहीं है उसके लिए ऑडियो बुक बनाई जाए, ज़रूरत नहीं है उसको ई बुक प्रिपेयर करके दी जाए, वो हार्ड बुक से सीधा पढ़ना शुरू कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसमें टेक्नोलॉजी हमेशा दो चीज़ों में बांटी जाती है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुंची थी वो हार्डवेयर के रूप में पहुंची थी, जैसे हमारे पास कैसेट्स थी, फिर सीडी प्लेयर्स पहुंचे, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्लेयर्स आ गए, डेजी प्लेयर्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी हैं। लेकिन अब ज़्यादातर चलन है सॉफ्टवेयर्स का, जिसमें कि जो हार्डवेयर है वो आम यूज़र के ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, राइट। जिसकी मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे? कोई भी, आप सभी में से कोई भी बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर की कुछ उदाहरण? हाँ, नहीं, देखिए हम इसको इंटरेक्टिव बना के चलते हैं, वरना मैं बोलता रहूँ आप सुनते रहे, हो सकता है शायद थोड़ा सा बोर हो जाए। तो आप इसमें पार्टिसिपेट खुले तौर पे कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर की कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एनविजन एआई, राइट, राइट, ईस्पीक, बिल्कुल, जॉज, राइट। तो हमने ज़्यादातर जो अभी सॉफ्टवेयर सुने हैं ये क्या हैं? स्क्रीन रीडर्स, ज़्यादातर ये वो हैं। अब स्क्रीन रीडर्स हमारे लिए नॉर्मल स्क्रीन के साथ जो व्यक्ति अपने गैजेट को यूज़ करता है उसके पढ़ के हमें सुनाते हैं। अब जो एक स्टूडेंट है वो इससे अपना सिलेबस सुन सकता है, ऐसा ही है। लेकिन अगर स्टूडेंट थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास 5-6 में पहुँचा कि अब वो टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, उसको कंप्यूटर पर शिफ्ट कर दिया, अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि हम डायरेक्टली बुक को पढ़ सकें, जैसे हमारे पास डिवाइसेस के तौर पे एक अभी नाम अभी लिया गया था सामने, स्कैनर्स जो है उसमें से एक स्कैनर का नाम लिया गया था, जिससे कि हम अपनी बुक को उसके ऊपर रखेंगे और डायरेक्टली उसको रीड कर लेंगे, यही है जी। अब यही सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे पास वो हार्डवेयर पहुँच गया हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल में। मोबाइल कैमरा से आप इमेज लीजिए, वो उसी टाइम आपको पढ़ के सुना देगा। आज की देर में आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लंबा पहले स्कैनिंग करें बुक को, फिर एक एक पेज को करें, फिर उस, वो भी ज़रूरत चली गई है। क्यों? यहाँ पर मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। पहले आई टेक्नोलॉजी, आज की डेट में है AI। AI का क्या मतलब होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ह्यूमन ब्रेन है, बचपन में हम जो चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ हमें सिखाई तो नहीं जाती ना, कि अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो ये तो नहीं बताया जाता हमें पहली सीढ़ी चढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरी सीढ़ी किस साइज़ की होगी, हो जाता है, इसकी हाइट कितनी होगी, वो ब्रेन अपने आप कैलकुलेशंस करता है, हम हमेशा याद तो नहीं करते रहते। उसी चीज़ों को लेके देखा गया, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएँ, एल्गोरिदम्स डेवलप किए जाएँ, जिसमें कि मशीनें वो काम करें, वो कुछ फैसले कर सकें, जो फैसले करके हमें वो हमारे रोज़मर्रा के काम में मदद करना शुरू कर दें। और उसी को हमने यूज़ कर लिया अपनी पढ़ाई के लिए और बाद की ज़िंदगी के लिए। अब यहाँ से मैं शिफ्ट कर जाता हूँ कि जब हम पढ़ाई अपनी कर ली, और इसके साथ अभी आज की डेट में थोड़ा सा और टच कर लेते हैं कि हमने पढ़ाई के साथ साथ अपने एग्ज़ाम्स भी देने हैं।
पहला एक ही जरिया था ज़्यादातर, हम अपने राइटर्स लेते थे और अपने एग्जाम्स देते थे, ऐसे ही पढ़ाई की होगी हमने इसे ज़्यादातर ने। लेकिन आज की डेट में हम कंप्यूटर हमें मिलते हैं और हम कंप्यूटर के ऊपर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो सबमिट हो जाएगा। कोरोना ने भी इसमें हेल्प की है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वो भी मजबूरी में आजकल भी उनको अपना जो सिलेबस है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करना पड़ गया, सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट करना पड़ गया, और वो बिजली चैलेंज के लिए अगर वो सॉफ्टवेयर्स एक्सेसिबल बनाए गए हैं तो बहुत मदद कर दी उन्होंने पढ़ाई के लिए। अब आ जाते हैं हायर स्टडी करके वो जॉब में मान लीजिए गए, वहाँ भी उसको इन्हीं टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें वो स्कैनिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए, कंप्यूटर का यूज़ करेंगे अपना पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सब चीज़ों को, मोबाइल का यूज़ करेंगे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें जो चलने फिरने के काम आए, ये सारे गैजेट्स को कुल मिला के उसका इस्तेमाल वो करें। फिर आ गया उस लाइफ के बाद, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने के बाद जब रिटायर होंगे तब उनको डेली अपना हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी है, बच्चों को हो सकता है पढ़ाना हो, तो ये सारी ज़िंदगी वो जी पाएंगे प्रॉपरली, जिस वे में एक आम व्यक्ति ज़्यादातर जीता है। तो ये लाइफ के तीन पार्ट हमने कवर किए। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की डिवाइसेस के ऊपर। ज़्यादातर हमारे पास पहले जो हार्डवेयर्स थे उसमें चीज़ें अवेलेबल थी, स्कैनिंग करने के लिए अलग अलग चीज़ें, फिर हमें इंडिकेट करने के लिए वाइब्रेशन वाली डिवाइसेस, आप में से किसी ने यूज़ की होंगी डिवाइसेज, वो बता सकते हैं कोई जो हमें इंडिकेट करें वाइब्रेशन के थ्रू? हाँ जी, स्मार्ट केन, यस स्मार्ट केन, स्मार्ट गॉगल्स, फिर उसके बाद डिवाइसेस आई जो कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस थी जिनको भी आप हाथ में पकड़ सकते थे, वाइब्रेट करती थी। फिर उसके बाद डिवाइसेस चेंज हुए, फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी आपने ज़रूर यूज़ की होंगी जो NFC के थ्रू हम यूज़ करते थे, वो यूज़ की हैं किसी ने? आज की डेट में भी वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, मैं थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ अगर यूज़ नहीं की। हमारे पास हमारे घर में हम कपड़े यूज़ करते हैं, yes, sir. है ना, और हमारी बुक्स भी हैं, yes, sir. हमारे पास CDs भी हो सकता है, हो सकता है हमारे पास मेमोरी कार्ड हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो एक से ज़्यादा हों। अब एक से ज़्यादा जो एक जैसी चीज़ें हैं उनकी पहचान कैसे की जाए? या तो उसके ऊपर ब्रेल स्टिकर्स लगा लिए जाए, ये हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि इसके ऊपर किसी ने अभी जवाब नहीं दिया था तो मुझे लगता है कम लोगों ने यूज़ किया होगा, कुछ ऐसी डिवाइसेज आती हैं जो एक स्टिकर्स हैं जिसको आप चिपका देते हो अपनी उस चीज़ के ऊपर, हो सकता है कि मैं अपनी पैंट के ऊपर लगा दूँ, वो वॉशेबल भी आते हैं और सिंपल भी आते हैं, मैंने अपनी CDs के ऊपर लगा दिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो मुझे CD चाहिए, पहले मैं जब पेस्ट कर रहा हूँ स्टिकर को तो एक स्पेशल पेन आते हैं, पेन फ्रेंड है या दो तीन इस तरह के हैं डिवाइसेज, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं, उसका एक बटन प्रेस करके होल्ड करके उससे हम टच करेंगे स्टिकर से, कुछ भी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर देंगे उसमें। मान लीजिए मैंने, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैंने इसको इसके ऊपर स्टिकर लगा के लगा दिया एंड्रॉयड मोबाइल, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस पेन को ऑन करके इसके पास भी लेके आऊँगा तो वो वही रिकॉर्डिंग अनाउंस कर देगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था। वो एक स्टिकर हो सकता है, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करते चीज़ें। तो ये डिवाइस हमारे बहुत काम आ सकती है, जो कि ज़्यादातर एक एज के बाद व्यक्ति होते हैं और एक खास एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ उनकी ये चीज़ें काम आती हैं। फिर उसके बाद इसी का हमारे मोबाइल में भी अल्टरनेटिव है। कुछ आपने मोबाइल देखे होंगे जिनमें ये सेंसर ही इंक्लूड आता है किया हुआ है, आज के मोबाइल्स में भी कईयों में होगा, तो आपको अलग से पेन भी नहीं चाहिए, जस्ट ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ये स्टिकर्स लीजिए, उसको किसी भी चीज़ पे पेस्ट कर दीजिए, सिलवा दीजिए, बाद में आप मोबाइल को उसके पास वो सेंसर ऑन करके लेके जाएंगे तब भी वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट हम किसी डिवाइस को यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन हमारे में से सभी यूज़ कर रहे हैं, राइट? अच्छा, मोबाइल फ़ोन में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो स्क्रीन रीडर्स, हाँ जी, वो सभी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेन है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का होना और टेक्नोलॉजी का यूज़, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। काफ़ी जगह देखा ये जाता है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है
लेकिन उसका यूज़ उस लेवल तक नहीं हो पाता क्योंकि ट्रेनिंग नहीं हो पाती। यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, इस तरह के जो सेमिनार इस तरह की जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें हम लोग एक चिंगारी लगाना काम होता है इस तरह की वो आपके अंदर एक चिन्ह हो जाएगी, वो चिन्ह आपको फिर अंदर से तंग करेगी घर जाके, जिसने भी ये वो चीज़ यूज़ नहीं की उसको जिज्ञासा जागेगी, वो शाम को हो सकता है कि संजीव को फ़ोन करें, हो सकता है अमरिंदर को फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें या किसी से भी कांटेक्ट करें कि क्या चीज़ थी जो वहाँ डिस्कस हुई थी, तो मेरे लिए ये काम आ सकती है। तो प्लीज़ जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं एक बार उसका चाहे इस्तेमाल ना करें, यूज़ करना सीख ज़रूर लें क्योंकि किसी भी टाइम आपके वो चीज़ काम आ सकती है। इसकी मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं पूरे इंडिया में इस तरह के सेमिनार्स किया करता था तो एक सेमिनार था बॉम्बे, मुंबई में हम लोग गए हुए थे, वहाँ ये लगभग बात है शायद 2004-5 के आसपास की, GPS आज की डेट में सभी यूज़ करते हैं क्योंकि हम सबके मोबाइल में हैं, उस टाइम पे GPS किसी मोबाइल में नहीं होते थे, मोबाइल ही नोकिया के लिमिटेड से थे तो GPS अलग से लेने पड़ते थे। तो मैंने अपने लिए एक GPS लेके उसको ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कन्फिगर करके अपने सिटी का मैप बनाया हुआ था, तो उसके जो पॉइंट्स थे उसको मोबाइल में लोड करते थे और वो पॉइंट टू पॉइंट आप डेस्टिनेशन अपनी तक जाते थे, जैसे मुझे साथ सीधा जाना है 20 मीटर राइट टर्न लेना है तो 20 मिनट में वो अनाउंसमेंट होगी कि आप यहाँ पहुँचे अब राइट टर्न लीजिए। ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे मैं यही यूज़ कर रहा था, तो वहाँ जब बात की तो कई पर्सन का ये था कि ये चीज़ की क्या ज़रूरत है कि आपने अपने पटियाला का मैप बना लिया लेकिन यहाँ कौन बना के देगा हमें, तो ये तो टेक्नोलॉजी बेकार है। तो उनसे मेरा यही था कि देखिए 5-7 साल रुक जाए, यही बेकार टेक्नोलॉजी आपकी जेब में होगी, क्योंकि उस टाइम ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अब मोबाइलों में ये टेक्नोलॉजी दे दी जाए। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई पहले जैसे हम एड्रेसेस पूछते थे, आज की डेट में सीधा आप अपना मैप लगाते हैं, गाइड करते हैं, इवन ब्लाइंड पर्सन देखा है मैक्सिमम गाइड कर रहे होते हैं, लेफ्ट लें सीधा लें, कई चीज़ों में जो विजुअली चैलेंज हैं वो लोग एडवांस हैं। आप शायद मेरी बात को एग्री करेंगे, अगर मैं एक उदाहरण दूं तो अपने आप पे किसी चीज़ों में जैसे अमरिंदर ने कहा ना कि हम बेनिफिशियल भी हैं, बहुत बेनिफिट भी हमें ज़्यादा है। वो बेनिफिट कैसे है कि जैसे जब भी मैं किसी ड्राइवर के साथ जाते हैं, ड्राइव करते हैं या कोई पर्सन, एक चौक आएगा जिससे कि आपको सीधा जाना है, मैप बोलेगा सेकेंड एग्जिट, यही बोलेगा, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जो मैप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता उसे वो सेकेंड एग्जिट नहीं समझ आएगा, नहीं आता ना, उसको क्या आपको बताना पड़ेगा कि सीधा जाओ या थर्ड एग्जिट है तो राइट लो, तो उसको पूछना पड़ता है कि चार रास्ते हैं ना सामने, हाँ तो फिर सेकंड एग्जिट सीधा जाओ, अगर पांच हैं तो सेकंड एग्जिट सेकंड वाला रास्ता आपसे लेफ्ट से काउंट करना है। तो कई चीज़ों में मैंने देखा है कि टेक्निकली जो टर्मिनोलॉजी है वो विजुअली चैलेंज पर्सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति को उस चीज़ का एक्सेल की बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल व्यक्ति वो काम कर देगा लेकिन वो किया कैसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो विजुअली चैलेंज है जो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इन टर्म्स को सीखा है, इन टर्म्स को यूज़ किया है, फिर वो जाके उसका एक्सपर्ट सॉरी इसमें एक्सपर्ट बने हैं। अब आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे कि ये जो डिवाइसेस हमने पेन डिवाइसेस की बात की, उसमें स्टैंड अलोन डिवाइसेस आज भी अवेलेबल हैं जो कि आपको इमेज लेते हैं वो OCR करके दे देती है। तो आज की डेट में मोबाइल में यही डिवाइसेस हैं, कोई बता सकेगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल डिवाइस में, कोई नहीं, चल देखिए हम ज़्यादातर आज की डेट में मोबाइल किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड, और सेकंड प्लेटफॉर्म कौन सा है, iOS, एप्पल कंपनी जो बना रही है या गूगल ने जो एंड्रॉयड बना दिया है, एप्पल के हार्डवेयर अपने हैं और बाकी एंड्रॉयड का किसी भी कंपनी का हार्डवेयर हो सकता है, राइट। अब स्क्रीन रीडर दोनों में अवेलेबल है, स्कैनिंग करने के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी जो एक आम व्यक्ति सॉफ्टवेयर यूज़ करता है अगर वो एक्सेसिबल है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में उसमें OCR करके टेक्स्ट को निकाल के पढ़ सकते हैं। सेकेंड, इसका थोड़ा एडवांस आया, कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर आए जिसमें कि जो विजुअली चैलेंज के लिए स्पेशली बनाए गए, जिसमें उदाहरण देता हूँ कि आप एक मोबाइल से एक कागज़ की फ़ोटो ले रहे हैं, आप में से कोई भी जो देख नहीं पा रहा कागज़ को,
तो आपको कैसे पता चले कि आपकी कागज की फोटो पूरी आ गई है, कागज कट नहीं गया, या कोई ऐसा एरिया बगल का कागज उसका साइड जो है वो बीच में नहीं आ गई, या हो सकता है कि कागज से जरूरी ज्यादा ही बड़ा आपने एरिया स्कैन कर लिया, ये हो सकता है, ज्यादातर होता ही है। तो आजकल की जो ये एप्लीकेशंस हैं वो आपको मदद करती हैं, वो यहाँ पर आ जाती है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपके पेज को देखती है कि कहाँ पे उसके कट्स हैं, कहाँ ये पेज होना चाहिए, फिर वो आपको बताएगी। आपने किसी ने अगर यूज़ किया, अपना मोबाइल थोड़ा दाएं करें, किसी भाषा में हो सकता है, बाएं करें, थोड़ा ऊपर करें, जब उसे लगता है कि पूरा पेज आ गया तब आप इमेज ले सकते हैं। वरना पहले क्या होता था कि स्कैनर्स थे अवेलेबल, लेकिन जो इमेज स्कैनर्स है उनमें बिजली चैनल को स्कैन करने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि वो पेज पूरा आया नहीं आया वो किसी साइटेड से करवाना पड़ता था। आज की डेट में आप अपना वो काम भी खुद कर सकते हैं। फिर उससे नेक्स्ट AI ने कैसे जंप किया रिसेंटली, अब पहले आपको एक स्कैनर में आप फोटो खींचेंगे, फिर उस टेक्स्ट को निकालेंगे, फिर उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, पता चला कि नहीं नहीं ये तो पूरा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो नेक्स्ट पेज चाहिए था, या आपके हाथ में विजिटिंग कार्ड है, पहले इमेज लेंगे, पूरा स्कैन करेंगे, अच्छा फिर उसको OCR करेंगे, ये होगा। या आप एक मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना खाना है, मेन्यू सामने आपके पड़ा है, या आप किसी दुकान पे हैं उसका बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ फ़ोटो खींचेंगे, तो कहाँ वो बताएगा राइट कीजिए लेफ्ट कीजिए, फिर फ़ोटो खींचेगी, फिर OCR होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई उदाहरण दे सकता है? हाँ जी, इंस्टेंट रीडिंग। उसके लिए दो हमारे पास, क्योंकि इसको आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास छोटे आकार के हैं उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है आज की डेट में, तो मोबाइल ये काम करते हैं। अगर एप्पल के लिए हम बात करें तो कोई वो सॉफ्टवेयर बता सकते हैं एप्पल ये काम करता है? और एंड्रॉयड तो वो जो है सॉफ्टवेयर का काम क्या है, आप मोबाइल को अपने ऑन कीजिए, बाकी थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको जब आप यूज़ करेंगे ना आपके अंदर से एक अलग ही खुशी आएगी, जिन्होंने ये चीज़ यूज़ नहीं की, जिन्होंने की है और ये सिर्फ सुना ही है उनको ये चीज़ पता है, जिन्होंने किया है वो समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरह एंड्रॉयड के लिए कोई बता सकते हैं? ID Pro। आपको नाम? ये Apple के यूज़र है, Apple चला गया वो। Super Sense। अच्छा। Google Lens। हाँ जी। Google Lens। ओके। है? बिल्कुल। हाँ। चलिए मैं दो चीज़ें आपको नहीं बताता हूँ। इसमें क्या है कि ज़्यादातर वो है चीज़ें जो हमने नाम ली जिनको आपको खरीदना पड़ता है, जिसकी सब्सक्रिप्शन है या वन टाइम या आपको यूज़ के हिसाब से आप उसको पे करते हो, राइट। लेकिन क्यों ना हम नेक्स्ट लेवल पे जंप करें, जो चीज़ें नॉर्मली फ्री ऑफ यूज़ हमें मिल रही हैं हम उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी एक नाम आया था एप्पल के लिए जो मैंने बताया, वो फ्री है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके मोड दोनों के ही सेम हैं, क्योंकि मैं पहले एंड्रॉयड के लिए बता दूँ, क्योंकि एंड्रॉयड के लिए गूगल ने लॉन्च किया है रिसेंटली लुकआउट, है ना। इन दो चीज़ों को अगर हम समझें, मुझे लगता है ये चीज़ नहीं है तो इस पर थोड़ा टाइम लगा है, राइट। तो देखिए उसमें क्या है कि उस एप्लीकेशन को जो नॉर्मल हमने पहले एप्लीकेशन की बात की है उनमें क्या है कि इंस्टेंट रीडिंग है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। फिर उसमें एक चीज़ को मैं और डिस्कस करता चलूँ जो मैं जंप कर गया, डिस्कस नहीं कर पाया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अब मेरे से कोई चीज़ यहाँ पे गिर गई नीचे और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे क्या कोई पर्सन को बुलाना पड़ेगा साइटेड, तो मेरे लिए वो ढूंढ देंगे, मेरे हाथ में पकड़ा देंगे? उसी तरह से आपके पास मोबाइल हाथ में है तो आप BMII या इस तरह की चीज़ें यूज़ करें, जिसमें कि सामने आप एक सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप अपना कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, सामने आपका जो पर्सन है वो साइटेड होगा, वो आपके कैमरा की आंखों से देखेगा और आपको उस चीज़ के लिए गाइड करेगा। तो इस चीज़ को आप में से यूज़ किया किसी ने? Yes।
यस सर आपने किया, तो चार पांच लोग यूज़ कर चुके हैं, तो हम मुझे लगता है यहाँ पे 40-50 हैं। मैं वही डिस्कस कर रहा था, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन हम सबका नेक्स्ट मकसद ये है कि हम यहाँ जितने भी हैं उनको एक ऐसी चिंगारी उनके दिल में उनके दिमाग में लगा के भेजें ताकि वो जाते ही अपनी अपनी डिवाइसेस में इन चीज़ों का इस्तेमाल स्टार्ट करें। तो उसमें सामने एक पर्सन होगा, वो आपको गाइड करता रहेगा, वो आपको बता देंगे कि राइट में लेफ्ट में ये आपकी चीज़ है या सामने ये चीज़ पड़ी है, तो या सामने कंप्यूटर, आप वैसे ज़्यादातर यूज़र हैं ना सारे, तो कंप्यूटर पे एक स्क्रीन पे मान लीजिए अगर वो बूट नहीं की, कोई एरर आ गया तो क्या करेंगे, वहाँ आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो जॉब करते हैं या जो स्टडी कर रहे हैं उनको हॉस्टल्स में रहना पड़ रहा है, अपने शहर बदलने पड़ रहे हैं, अकेले भी बहुत सारे चैलेंज आज की डेट में रह रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर वो क्या करें, कहाँ तक मतलब कंप्यूटर छोड़ के किसी को ढूंढने निकले, तो उसी टाइम अपना मोबाइल उठाइए, उसका हल निकाल लीजिए। अब उसमें सेकंड एआई जो हम फाइनल अभी लेटेस्ट की बात कर रहे हैं, इन आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट मिले, उसमें हमने दो सॉफ्टवेयर्स की बात की, लुकआउट है, बाकी और भी हैं जो पेड हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप ना करें, आप अपनी पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें मोड है, जैसे एक है उसमें स्कैन, सेकंड है उसमें हो सकता है कि फूड लेबल या इस तरह का कुछ नाम हो, थर्ड है उसमें एक्सप्लोर, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्कैन में दो तरह के मोड हैं उसमें, पहला है आपकी इमेज लेगा, वो आपने उसको उस मोड पे सेट किया, वो आपको गाइड करेगा कि जिसको ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करेंगे, अगर आपको पेपर स्कैन करना है तो उसमें आप उसको गाइड करेगा, लेफ्ट राइट कीजिए, वो बोलेगा, वो इमेज ले लेगा, OCR करके सामने आपको रिजल्ट अवेलेबल करा देगा। फिर आ गया इंस्टेंट स्कैन जिसको कह देंगे, उसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ के सामने अपने मोबाइल का कैमरा करते रहिए, मान लीजिए मेरे हाथ में अभी माइक है, इसके ऊपर कंपनी लिखी हुई है, मैं अपना कैमरा ऑन करके इसके सामने कर दूंगा, वो उसको रीड कर देगा मेरे को, हाँ लुकआउट भी कर देगा बिल्कुल, और जो है अपना एप्पल के लिए जो है वो अपना एप्लीकेशन वो भी कर देगी, दोनों ही ये काम करके देंगे। इसको सबसे ज़्यादा मार्केट्स में बहुत यूज़ कर सकते हैं, हाँ मार्केट्स में अगर आपको कोई शॉप ढूंढनी है तो आप उससे कर सकते हैं, तो आप किसी का, आई थिंक किसी की आपको हेल्प की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फ़ोन को चलाते जाइए तो आपको शॉप्स के वो नाम बताता जाएगा। जैसे पहले हम दवाइयाँ हैं, बिजली चली को ज़्यादातर दवाइयाँ भी यूज़ करनी पड़ती हैं, आई ड्रॉप्स हो गए है ना, हमारी सीडीज हो गई या हमारे मेमोरी कार्ड्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको क्या है, या तो NFC यूज़ करें जो मैंने पहले बताया, वरना सिंपल उसको कैमरा के आगे कहिए, वो पूरा पूरा आपको रीड करके बता देगा कि सामने इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। अच्छा, और उसमें नेक्स्ट मोड से पहले मुझे एक चीज़ याद आई, इसमें एक और मोड है करेंसी आइडेंटिफिकेशन का, वो अभी के लिए इंडियन करेंसी दोनों सॉफ्टवेयर्स में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन इंडियन करेंसी के लिए आपके पास एक और एप्लीकेशन है, पहले हम क्या यूज़ करते थे, कुछ हाथ से नापते थे नोट को है ना, फिर एक राइट, फिर वो गड़बड़ हो गई सारी, क्योंकि नोट के साइज इतने सारा आ गए कि आपको समझना ही मुश्किल है। फिर उसके बाद एक वॉलेट्स आए थे जिनमें निशान लगे होते थे, वो भी बेकार हो गए। तो अब एक कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें एक एप्लीकेशन RBI की तरफ से ही है, उसका नाम क्या है, यस, उसके आप सामने आप नोट कीजिए और वो आपको आइडेंटिफाई करके उसी टाइम बता देगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास जो हम मोड डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक है एक्सप्लोर। अच्छा, जो फूड वगैरह चीज़ों के लिए वो मैं बता देता हूँ, उस मोड का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि कुछ टैग्स होते हैं, बार कोड्स जिसको हम कह देते हैं है ना, वो जहाँ भी आप कहीं दुकान में जाएंगे वहाँ पे वो बार कोड स्कैनर के थ्रू उस चीज़ को स्कैन करते हैं, ऑटोमेटिकली उस चीज़ का जो रेट है वो सामने जमा हो जाता है, वो सारी चीज़ें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो वो उसमें भी है, आपके सामने पैकेट आया, मान लीजिए बॉटल आई, कोई डिब्बा आया, जिसके ऊपर अगर वो बार कोड है, उस कैमरा के सामने आप घुमाइए, जहाँ उसको बारकोड मिल गया वो उसकी सारी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट आया एक्सप्लोर मोड, जैसे कि अभी अमरिंदर है उन्होंने बताया कि आप बोर्ड वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं
कि जैसे मैंने अपना स्कैन मोड पे किया तो सामने मैं जब कैमरा करूँगा तो बोर्ड तो वो रीड करेगा, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरे चलने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सप्लोर मोड में क्या मिलेगा मुझे, वो सामने की चीज़ों का आइडेंटिफाई करके मुझे नाम भी बताएगा। जैसे मैंने उसको उस मोड पे जब सेट किया, मेरे सामने एक व्यक्ति है तो वो बोलेगा पर्सन, दो है तो बोलेगा टू पर्संस, अगर सामने एक डॉग है तो बोलेगा डॉग, स्कूटर है तो स्कूटर, कार, बस, इवन आप कार में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किसी तरह से ट्रैवल कर रहे हैं तो सामने आपको वो भी बता देगा कि यहाँ पे आपका स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे टर्न है, और जहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा साथ ही में वो टेक्स्ट को भी रीड कर देगा आपके लिए। तो अगर बिल्डिंग आ रही है तो अनाउंस कर देगा बिल्डिंग्स, आपके सामने अगर बिल्डिंग को क्रॉस कर रहे हैं तो बिल्डिंग बोल देगा। तो ये सारी इमेज मतलब चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक नई जगह गए हैं, मैं इस हॉल में आया हूँ, मैंने भी यूज़ नहीं किया क्योंकि हम नई चीज़ जहाँ हमें हेल्प नहीं है वहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ तो जहाँ पे मैं इसको चारों तरफ अपने कैमरा को घुमाऊँगा वो इवन मुझे दरवाज़ा, खिड़की, फर्नीचर ये भी आइडेंटिफाई करके बता देगा कि यहाँ पे ये दरवाज़ा है, तो मैं उस दरवाजे की तरह मूव कर जाऊँगा तरफ। तो ये हेल्पफुल है चीज़? यस सर। या यूज़ कर रहे हैं आप में से? नो सर, अभी नहीं। प्लीज़ इसको जल्दी जाइए यूज़ कीजिए, आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा मुश्किलें जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। सर ये कितने डिस्टेंस से बता सकते हैं, क्योंकि दुकानों के बोर्ड तो बहुत ऊँचे लगे होते हैं ना? इट डिपेंड्स कि अगर हम बहुत पीछे हैं तो नहीं पता पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि दुकानों के बोर्ड होर्डिंग्स काफ़ी ऊँचे लगे होते हैं। हाँ, तो मैंने 30-35-40 feet से भी किया है। Okay. तो वहाँ से भी काम कर देता है। हाँ जी, तो उसमें वो डिपेंड कर रहा है कि अगर वो ह्यूमन आई को अवेलेबल है वो तो कैमरा भी कर लेगा, क्योंकि आजकल मोबाइल में कैमराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। जैसे अभी 64 megapixel मेरे मोबाइल का कैमरा है, तो 64 MP है, फिर उसमें डेप्थ सेंसर भी है, उसमें विड्थ को भी वो काउंट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से चलिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ याद आ गई है, वो नेक्स्ट मैं डिस्कस उसको कर लूँगा कि अगर यहाँ से मेरे 30 फीट दूर एक बोर्ड है या 50 फीट दूरी पे एक बोर्ड है जिसमें बड़ा टेक्स्ट है, वो उसको भी आपको रीड कर देगा। जिसमें कि अभी मैं घर में गया किसी के, उनके घर में मेरा ही एक किसी टाइम का मुझे एक फंक्शन में अवार्ड मिला था, मैंने लिया नहीं, वो उनके घर पर पड़ा था। तो मुझे था कि मैं वो गए उठ के पानी लेने के लिए, तो मैंने कैमरा निकाला, चारों तरफ लगाया, उसने मुझे शोकेस में रीड कर दिया मेरा ही नाम। और वो फंक्शन हुआ था इसका जो इलेक्शन कमीशन का, तो मैं हैरान हूँ कि मेरा यहाँ पे कैसे पड़ा। मैंने उनसे पूछा, कहते आप भूल गए थे ना, वो यहाँ हमारे यहाँ शोकेस में पड़ा है। तो ये चीज़ें, वो मेरे से कम 15 feet की दूरी थी, आप सोच सकते हैं कितना बारीक लिखा होगा, तो उसको भी उसने रीड कर दिया। बाकी क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर है वो, कोई करते हैं कि बहुत सारा शेड्स डाले, डिज़ाइंस किए, वहाँ उसको दिक्कत होगी। इवन मैंने उसको टीवी चैनल्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ किया है, तो काफ़ी जगह कंफ्यूज होता है, लेकिन उस चैनल को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आप कौन से चैनल पर। तो ये चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे लगता है इसके ऊपर सवाल हम साथ ही ले लें, है ना? मुझे इसमें छोटा सा एडिशन कर दूँ एप्पल के लिए, अभी एंड्रॉयड के लिए वो इतना ज़्यादा मुझे करेक्ट नहीं मिल पाया। एप्पल में क्या है कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं और चीज़ों की दूरी कि आपसे 15 फीट की दूरी पे या कितने फीट की दूरी पे कौन सी चीज़ है, वो भी वो आपको बता देते हैं। वो यूज़ किया है? तो जैसे मान लीजिए मैं वॉक कर रहा हूँ, अगर मुझे दूरी भी पता चलनी शुरू हो जाए और चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाए, तो मेरी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसके ऊपर जितने भी सवाल हैं हम इसके साथ ही लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, जो आपने ये एक्सप्लोर मोड, अपना प्लीज नाम भी बताइएगा साथ में। जी आपकी आवाज़ आ रही थी, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हो? यस सर। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही हमारी? हाँ हो रही है। तो उसके लिए माइक चाहिए होगा।
बोलो जी, आप बताइए आपका नाम। बोलो सर। सर मेरा नाम किशोर है। यस सर। मेरा क्वेश्चन था, जो आपने सब मोड बताए एक्सप्लोर मोड वगैरह, ये किसी एक ही एप्लीकेशन के अंडर है जी? उसका नाम एक बार सर रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ जी, ये एक ही एप्लीकेशन के आगे फीचर्स हैं, आप एक बता समझ सकते हैं। वो फीचर्स को हम अपनी जरूरत के मुताबिक एक्टिवेट कर लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ, एंड्रॉयड के लिए अभी बताया लुकआउट, गूगल लुकआउट है। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे तो। हाँ जी, एक सेकंड बस मैं इसे कंप्लीट कर दूँ। और इसी तरह एप्पल के लिए, वो तो अभी हमारे सामने जो बैठे हैं पर्सन, उन्होंने बता दिया था वो क्या नाम है। यस, सीन ए आई, वो एप्पल के लिए यूज़ किया जा सकता है जी। हाँ जी, नेक्स्ट। ये माइक आ गया कार्डलेस, बच्चों किसी ने भी लेना हो तो ले सकते, हाथ खड़ा कर सकते, हाथ खड़ा कर दो वो ले के आ गए। और किसी ने पूछना? हाँ, किसी के माइक देना इधर। वन सेकंड। सर माय सन योगेश, उसकी उसकी कैचिंग पावर वेरी लो, 74%। तो उसको वन और टू की पहचान नहीं है सर, उसको कैसे पहचान की जी? जो मैं समझ पाया हूँ, मैं दोबारा पूछ लूँगा थोड़ा सा, अगर मैं गलत समझाऊँ। आपका नाम योगेश है भाई? सन का नाम, मेरा नाम मंजीत सर। आपके बेटे का नाम, आपके बेटे का नाम योगेश है, और आप कह रहे हैं कि वो उसकी जो विजन है वो लिमिटेड है, राइट? कितना बताया आपने? 74% है, ठीक है। आगे आपका सवाल क्या था मैम? वो ना सर, ये वन और टू के बारे में पहचान नहीं पा रहा किसी चीज़ को। वन और टू बता दें, ये वन है और ये टू है, तो पहचान नहीं पाता ये वन और टू कौन सा, बता दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑल टुगेदर एक अलग सवाल है, लेकिन इसको हम ले लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो करेक्टर्स हैं या नंबर्स हैं, आप उनको सिखाना चाह रहे हो और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वन है या टू है, ये ए है या बी है, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप उसको कैसे सिखा रहे हो? वैसे वैसे लिख के बता रहे हैं, या फिर जो अपना बोर्ड बड़ा आता है ना स्कूल के अंदर, ठीक, 1 2 3 4 5, उसको डेली एक एक करके बता दें। काफ़ी अच्छा सवाल है, जो हमारे बीच में टीचर्स हैं उनके लिए भी। देखिए, सबसे पहले तो एक तरीका है, बोर्ड के ऊपर जब लिखते हैं तो ज़्यादातर क्या करते थे, हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है, ताकि उसकी हाथ की जो मूवमेंट है वो कैसे जा रही है उससे वो समझ सके कि ये करेक्टर या ये नंबर ऐसे डाला जाता है। लेकिन अभी थोड़ा अगर और मूव ऑन कर जाए हम लोग, तो एम्बॉस कर देते हैं, हमारे पास एम्बॉसर्स हैं, तो एम्बॉस से क्या होगा, वो करेक्टर उभरा हुआ होगा। या मार्केट में जाइए, आपको क्या मिलेंगे, सभी इंग्लिश भाषा के, हिंदी के, इवन पंजाबी के भी हैं, आपको वो पूरे के पूरे करेक्टर्स ही मिल जाएंगे, प्लास्टिक के बने हुए, रबर में भी देखे हैं। वो उसको दीजिए, उसके हाथ में पकड़ाइए, वो उसको पूरा टच करके देखे, और उससे उसको समझ आएगा कि ये करेक्टर क्या है, इसके कट्स कहाँ कहाँ पे हैं। और उसके बीच में फिर एक स्केल आता है, वो स्केल में कट्स बने होते हैं, आप उसके अंदर आपने पेन चलाना होता है, तो वैसे वो चलाएगा तो उसको पता चलेगा वो लिखा कैसे जाता है। या नेक्स्ट, एक बस थोड़ा सा जो लास्ट चीज़ है, एक अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी और है जिसे कहते हैं 3D प्रिंटिंग। आप में से किसी ने यूज़ किया उसे? अभी बहुत कॉस्टली है। उसमें क्या है कि जो बच्चा है जिसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये चर्चा हुई है तो मैं इसे 5 मिनट ले ही देते हैं इसके ऊपर। एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने मान ली करेक्टर पढ़ाई समझ में आया, लेकिन अगर वो मैप पढ़ा रहे हैं तो मैप तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, कोई इमेज आ गई वो नहीं समझ पाएगा, साइंस की नहीं समझ पाएगा, मैथमेटिक्स नहीं समझ पाएगा, ये दिक्कतें आती हैं। तो 3D प्रिंटिंग क्या चीज़ है, उसमें कुछ केमिकल्स हैं और पाउडर्स हैं, वो उसमें डाले जाते हैं, जो इस तरह का भी आप एक उसको अरेंज करके टेक्स्ट दे देंगे, वो स्पेशल शीट्स आती हैं, वो शीट्स को गर्म करके वो प्रॉपर वही इमेज की शेप बना देगा उसकी। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर, मैं सामने बैठा हूँ, तो अगर मेरी इमेज उसके ऊपर आएगी, तो वो व्यक्ति या स्टूडेंट
मेरा एक एक अंग भी टच करके देख सकता है कि जब मेरा हाथ है तो मेरी हाथ की फिंगर्स को भी देख सकेगा, मेरे फिंगर के कट्स को भी देख सकेगा। इट डिपेंड्स कि वो इमेज कितनी बड़ी है, मेरी बाजू कैसे है वो भी देख सकेगा, मेरी कहाँ तक मेरा सर है, आँखें, नाक, वो हर चीज़ को इमेजिन कर सकेगा। अगर नक्शा मान लें, मैप मान लें, तो पूरी स्टेट्स को टच कर सकेगा कि यहाँ तक ये स्टेट है, वो पूरी की पूरी उभरी होगी उसी हिसाब से। जी अब बताइए सर, उसको ना एक और प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए मन लिख दिया, मन लिख देता बट उसको दोबारा 5-7 मिनट के बाद रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं तो भूल जाता है। मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, प्लीज़ थोड़ा क्लियर कर दें दोबारा। जैसे उन्होंने, हमने बोला मन लिखो तो उन्होंने मन राइटिंग कर दिया, हाँ, लेकिन उसको अगर 10 या 5 मिनट के बाद दोबारा लिखने के लिए बोले तो लिख नहीं पाता। देखिए पहला मेरा एक सवाल है कि उसको जो विजन लॉस है वो क्या बीमारी है? उसको कैचिंग पावर कौन है, यादाश्त भी कमजोर है। जी मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो उसमें देखिए एक चीज़ है, मैं ये समझना चाह रहा था कि विजुअल उसको कौन सी बीमारी है जिसके कारण उसका लॉस हुआ, क्या रेटिनल प्रॉब्लम है? देखिए मैं इसलिए समझना चाह रहा था कि अगर तो उसकी विजन स्ट्रेस डाले से और कम होगी तो आप उसको लिखना क्यों सिखा रहे हैं? आप उसको मोबाइल दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, ब्रेल दीजिए, ये चीज़ों। कितनी एज है उसकी बच्चे की? उसकी 6 साल की। 6 साल की, अभी थोड़ा छोटा है। उसको ब्रेल सिखाइए आप, फिर उसके बाद ब्रेल के लिए डिवाइसेज हैं, जैसे बीच बीच में डिवाइसेज मैं याद आती जा रही, मैं डिस्कस करता रहूँ साथ साथ चलते रहे क्योंकि कनेक्शन। देखिए पहले बहुत कॉस्टली डिवाइसेस थी लेकिन अभी आपको 18-20-25 हज़ार के बीच में मिल जाएंगी। उसको आप मोबाइल से भी अटैच कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी अटैच कर सकते हैं, उसमें छोटे छोटे सेल्स हैं जो कि टेक्स्ट के मुताबिक ऊपर नीचे उभरते हैं, क्योंकि अगर ब्रेल आप सिखा रहे हो तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए। लेकिन अगर आप ही उसको थोड़ा सा सीख लें, उस बच्चे को घर आप बार बार सिखा सकते हैं, वो करेक्टर्स उस डिवाइस के ऊपर उभर जाएंगे, जिस तरह से ब्रेल डॉट्स आप अगर समझ सक रहे हैं उसको, तो वो उभरेंगे। आप उनको बार बार चेंज कर सकते हैं, वो वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है और कई साल तक आप उसी टेक्स्ट से उसको रीडिंग करवा सकते हैं। कंप्यूटर पे आप मान लीजिए आपने मोबाइल के ऊपर लिखा, मान लीजिए आप उसको पढ़ा रहे हैं कि योर नेम इज़ योगेश, राइट, तो वही ब्रेल में उसके सामने होगा तो वो सामने टच कर करके उसको पढ़ लेगा। जब वो पहली लाइन पढ़ लेगा वो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेगा, नेक्स्ट शब्द पढ़ लेगा। तो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, आप उसमें उसको लेके जाइए बच्चे को। बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज हैं, आप NAB के साथ कांटेक्ट में आइए या और यहाँ पे जो भी पर्सन हैं वो आपको गाइड इसके ऊपर अच्छे से करेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट कोई सवाल? हम वापस उसी चीज़ पे जंप करें या आगे चल पड़े? नेक्स्ट सवाल किसी का बोले? यस सर। जी बोलिए। माइक ले लीजिए। सर मेरा नाम बद्री प्रसाद है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने NFC एप्लीकेशन के बारे में बताया है, क्या ये एंड्रॉइड के लिए है या फिर एप्पल फोन के लिए है? कौन सी एप्लीकेशन? NFC के बारे में आपने बताया है कुछ। वो एक्चुअल में हार्डवेयर है, वो एप्लीकेशन नहीं है, वो सेंसर है। वो सेंसर डिपेंड करता है, आपने जब मोबाइल फ़ोन खरीदा, खरीदते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपके मोबाइल में वो सेंसर है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर सेंसर हमारे मोबाइल में होते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, जायरो होता है, इस तरह से बहुत से सेंसर हैं। लेकिन NFC सेंसर को आजकल कंपनियों ने सभी फ़ोन में देना कम कर दिया है, देते हैं लेकिन कम कर दिया है। लेकिन आप लोगों को अगर वो चीज़ चाहिए तो आपको अपना मोबाइल खरीदते हुए एक बार देखना होगा। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। जी हाँ जी, कोई और सवाल? किसी भी तरह का सवाल आप कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर जंप कर दें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मेरा नाम रेहान है और मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने लुक ऐप के बारे में बताया, लुकआउट ऐप के बारे में, जी अगर हम कुछ इजी टेक्स्ट में रीड करते हैं तो उसकी डिस्टेंसिंग बताएगा? अगर नहीं बताएगा तो हमें कैसे पता चलेगा हमारे जो चीज़ हम रीड कर रहे हो हमसे कितनी दूर है? ओके, तो रेहान ऐसा है
यही मैंने पहले जैसे स्पेसिफाई किया था कि अभी जो गूगल लुकआउट है एंड्रॉयड के लिए उसमें वो दूरी आपको अभी नहीं बताता, नेक्स्ट पाइपलाइन में है, जल्दी वो भी बता देगा। लेकिन अगर आप एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें आप सींग AI यूज़ करेंगे या और भी दो एप्लीकेशंस हैं, वो आपको डिस्टेंस भी वो पेड एप्लीकेशंस हैं। एक तो उन्होंने अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन सुना है कि जो उनका नॉर्मल सीरी है ना उसके अंदर उन्होंने इंटीग्रेट किया है, कोई फीचर ऑन करना पड़ता है उसके बाद, लेकिन मैंने पर्सनली उसको अभी यूज़ नहीं किया है। क्योंकि एक्सप्लोर अगर आप कर रहे हो तो सीन AI सबसे बेस्ट है जो तक अभी तक मेरा तजुर्बा है। हाँ, ये सवाल बहुत सही है। देखिए अभी के लिए वो सिर्फ इंग्लिश के लिए है, अभी उसमें बाकी लैंग्वेजेस की सपोर्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन से बाकी ही एप्लीकेशंस को नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट स्टडी करेंगे या कोई जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं बार बार, वो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्टेट में काम कर रहे हैं तो उस स्टेट की लैंग्वेज में होगा। मान लीजिए हिंदी में भी हो सकता है, पंजाब में काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे आपके पास वो पंजाबी में आएंगे। उस कंडीशन में हम क्या करें, उस सिनेरियो में क्या चीज़ बेस्ट है? देखिए उसमें हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हिंदी के लिए तो हमें मदद ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन पंजाबी के लिए भी है जिसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं। अपना गूगल का ईमेल अकाउंट सबके पास होता है, तो उस ईमेल अकाउंट के साथ आपको उनका स्टोरेज भी मिलता है, इमेज लीजिए वहाँ अपलोड कीजिए, या अगर किसी डिवाइस पे डायरेक्टली भी उसे ओपन विद भी किया जा सकता है, वो उसी टाइम ही वहाँ पर एक और फाइल बना देगा सेम नाम से, जिसमें अगर आप ये वो इंग्लिश थी तो इंग्लिश का टेक्स्ट होगा, हिंदी थी तो हिंदी का टेक्स्ट होगा, पंजाबी तो पंजाबी। और इसी के साथ चलिए इसके ऊपर कोई सवाल है तो आप अभी पहले पूछिए। पढ़ना तो आपको स्क्रीन रीडर से है, देखिए स्क्रीन रीडर्स इंग्लिश के लिए तो आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट टू स्पीच इंजन अवेलेबल हैं, राइट? एलुक्वेंस भी है, ई स्पीक भी है, ह्यूमन, राइट? हम लोग ऐसा करते हैं कि आज हम सोच रहे थे कि थोड़े कुछ बेसिक सवाल्स को डिस्कस ना करें, लेकिन यहाँ मुझे लगता है हम कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन रीडर ये क्या चीज़ है और टेक्स्ट टू स्पीच इंजन क्या है, इसकी मैं उदाहरण ऐसे दिया करता हूँ। मान लीजिए हम तीन यहाँ पर पर्सन बैठे हैं, अगर मेरे लेफ्ट में अमरिंदर है, उन्हें मुझसे कुछ कहना है, मुझसे पूछना है कि आपके दाएं में कौन है, तो उसका आंसर मैं करूँगा ना, राइट? यस सर। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को हम लोग इमेजिन अगर करें तो स्क्रीन मोबाइल की, कंप्यूटर की, किसी भी तरह की अगर कोई स्क्रीन है वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे अमरिंदर ने मेरा इस्तेमाल किया कि आपके राइट में कौन है हमें बताओ, उसी हिसाब से हम जिस चीज़ को टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर, कि स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है उसे रीड करेगा। उसमें फिर क्या है कि यहाँ तो ये है कि अमरिंदर ने मुझे बोल के पूछा, मैंने बोल के जवाब दे दिया, लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कीबोर्ड से कमांड देनी होती है, तो स्क्रीन रीडर में हज़ारों कमांड्स उसमें एंटर की होती है पहले से, आप जो उसमें कमांड देंगे कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जैसे मैं सिंपल से उदाहरण देता हूँ, अगर आपने टाइम ही देखना है तो जॉज में, NVDA में, इन सब में इंसर्ट दबा के F12 की दबाएंगे तो आपको टाइम बताएगा, दो बार प्रेस करेंगे तो क्या बताएगा, डेट बता देगा और ईयर भी बता देगा, उसका मंथ बता देगा, वो सारी चीज़ है स्क्रीन रीडर। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि अमरिंदर मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके दाएं में कौन है, उन्होंने मुझसे ये पूछा, हिंदी भाषा में पूछा है ना, मानिए मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता, राइट? वहाँ रोल आ जाता है TTS, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन,
उसका क्या रोल है वहाँ पर? स्क्रीन रीडर वही रहेगा, लेकिन आप उसमें अपना टेक्स्ट टू स्पीच इंजन जो भी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने उसमें मान लीजिए एलोक्वेंस लगाया, एलोक्वेंस जब आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको इंग्लिश पढ़ देगा या आठ लैंग्वेज जिसकी उसका सपोर्ट है वो पढ़ देगा, जर्मन भी पढ़ देगा, ये पढ़ेगा, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ेगा। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऐसा TTS जो हिंदी पढ़ सके, जिसमें गूगल का भी है, ई स्पीक भी है, ऑटो TTS और डिफरेंट चीज़ होगी वो उस पर भी आते हैं। अच्छा सवाल है। जैसे गूगल का एक TTS है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए लेखा है, हिंदी के लिए ई स्पीक है, हिंदी के लिए नील है, इस तरह से बहुत सारे TTS हैं। क्योंकि वो हिंदी पढ़ना जानते हैं तो आप स्क्रीन रीडर को कहोगे वो पढ़वाएगा किससे? TTS से। आवाज़ किसकी आएगी? TTS की आएगी। सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा, आप कमांड दोगे स्क्रीन रीडर को, लेकिन यूज़र होगे आप। क्लियर? इसमें से कुछ पूछना चाहेंगे? क्लियर है? थे अगर ना हो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लियर है? अब आ गई बात ऑटो TTS। ऑटो TTS क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक आवाज़ जो सबको पसंद है जॉस में भी और अपने मोबाइल में भी, एलोक्वेंस की, वो बहुत आदत है हमें उस आवाज़ की, तो मोबाइल में अगर हम उस आवाज़ से सुन रहे हैं तो, लेकिन मोबाइल में मुझे हो सकता है कि व्हाट्सएप आया हो हिंदी में या पंजाबी में, या हो सकता है कि मराठी में आ जाए या किसी गुजराती में आ जाए, तो वो तो वो TTS नहीं पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे? हमें TTS को जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर हम वापस आएंगे, फिर जाके इंग्लिश के लिए फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ऑटो TTS एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बता देते हैं कि जब भी अंग्रेज़ी आएगी, इंग्लिश आएगी तो आपने ये TTS से पढ़ाना है, हिंदी आएगी तो हो सकता है आपने गूगल या स्पीक यूज़ किया हो, पंजाबी के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, ज़्यादा है नहीं मोबाइल के लिए, और वो आप स्पीक यूज़ करोगे या हियर टू रीड यूज़ करोगे, तो वो आप सिलेक्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम जो भी भाषा आएगी आपका मोबाइल अपने आप उस आवाज़ में आपको वो टेक्स्ट पढ़ के सुना देगा। ऑटो TTS की एक तरह से अपनी कोई आवाज़ नहीं है। हाँ, वो दूसरों का इस्तेमाल, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम करता है। वो ऑटो TTS आपके TTS को ऑटोमेटिकली स्विच करता है, उसका जस्ट यही काम है जी। और कोई सवाल जी? तो फिर मुझे लगता है कि हम स्कैनिंग तब से कर तो रहे हैं, उसको भी एक बार हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। हम फोटोकॉपी निकालते हैं, आपने सबने वो तो सुना होगा ज़रूर। हम किसी दुकान पे जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट देते हैं कि इसकी एक हमें कॉपी बना दें, ये बनाते हैं जी, तो वो कॉपी हमें सेकेंड कॉपी तैयार हो जाती है। लेकिन अगर हम फोटोकॉपी ना बनाएं, जस्ट उसका प्रिंट ना लें, कंप्यूटर में मोबाइल में उसको फ़ोटो खींच लें उसकी, तो वो होगी स्कैनिंग। वो स्कैनिंग आप दो तरह की होती है, नंबर वन इमेज स्कैनिंग, ठीक है जी, नंबर दो इंस्टेंट OCR जो हम बात कर रहे हैं। तो इमेज क्या हुआ कि वो फ़ोटो खींच लेता है। पहले वाले स्कैनर्स आपके हम लोग घरों में जो यूज़ करते थे फ्लैट बेड, उसमें क्या एक रोलर है, आप कागज़ रख के उसको बंद करते हो, नीचे से वो रोलर घूमता है और पूरे का पूरा पेज स्कैन कर लेता है, जिसमें कितना टाइम लग जाता है, आप हार्डली एक मिनट में, मुझे लगता है कि तीन पेजेस से ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आपके पास फास्ट स्कैनर भी है तो भी। फिर उसके बाद आए इमेज स्कैनर्स, उसमें क्या आया, टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि आपको एक स्टैंड मिलता है, उसके ऊपर एक कैमरा माउंटेड होता है, आप अपने उस डॉक्यूमेंट को उसके नीचे रख देते हो, वो उसकी एक फ़ोटो ले लेता है, तो आप एक मिनट में मुझे लगता है 20, 25, 30 भी कर सकते हो उसमें स्कैनर, तो काम बहुत तेज़ हो गया। ये दो तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। फिर नेक्स्ट आई, हमने फ़ोटो तो ले ली, अब फ़ोटो का हम करें क्या, देखने वाले को तो आपने फ़ोटो खींची और सामने वाले को दे दी, उसने देख ली, लेकिन हम तो देख नहीं सक रहे फ़ोटो को, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? वहाँ हम कंप्यूटर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कहेंगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो निकालो, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR, जिसमें कि उस सॉफ्टवेयर को पहले डिज़ाइन किया गया होता है उस भाषा के शब्दों के लिए, अलग अलग तरह के सारे फॉन्ट्स उसको सिखाए गए होते हैं, वो सारे के सारे फॉन्ट्स वो मैच करता है उस करेक्टर से, और जिससे वो मैच हो जाता है वो टेक्स्ट वहाँ डाल देता है,
फिर उसमें उसको इंटेलिजेंस और भी दी गई है कि वो अपना अगर आप कहो तो आपके स्पेलिंग एरर भी कंप्लीट कर देगा, फिर उसकी फॉर्मेशन जो फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन रखनी है या नहीं रखनी वो सब भी कर देगा। वो नेक्स्ट चीज़ें हैं, बेसिक काम है कि वो आपको उसमें से टेक्स्ट निकाल के दे देगा, फिर उस टेक्स्ट को हम स्क्रीन रीडर की टेक्नोलॉजी से पढ़ लें। क्लियर? कोई सवाल तो नहीं इसके ऊपर? OCR समझ आ गया है? हाँ जी जी। तो ये जिसको हम तब से स्कैनिंग कह रहे थे वो ये चीज़ है। अभी इंस्टेंट स्कैनिंग में क्या है कि वो फोटो खींचने में झंझट नहीं पड़ता, वो साथ की साथ उसमें से इमिडिएटली टेक्स्ट को आपको ले लेके बताता जाएगा। तो उस हिसाब से हम उसको रीड करवा रहे हैं जिन सॉफ्टवेयर की हमने अभी बात की, CGI या गूगल लुकआउट जिनकी हम बात कर रहे थे। और कोई नेक्स्ट सवाल? वरना मैं नेक्स्ट चीज़ों में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी आ जाते हैं कि जिस हिसाब से हम अभी डिवाइसेस तो हमने सारी डिस्कस कर ली, डॉक्यूमेंट्स भी हमने पढ़ने स्टार्ट कर लिए, रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल हो गया। हाँ, एक चीज़ इसमें से छोटी है कि हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, राइट? अभी धीरे धीरे क्या हुआ है, हमारे पास जैसे स्क्रीन रीडर्स हैं, स्क्रीन को रीड करते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास आ गया है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करता है, उसको टेक्स्ट में बदल देता है। वो हमारे पास कंप्यूटर में भी है, एंड्रॉयड में भी, मोबाइल में भी है और एप्पल में भी। उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हम 5-7 मिनट इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टाइप करना अगर मोबाइल में आप आज की डेट में करेंगे तो बहुत टाइम भी लगता है, और ज़्यादातर उसमें जिनको बोलने के अंदाज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्पीच क्लियर है, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब उसके लिए हम अगर कंप्यूटर के लिए यूज़ करें तो बहुत साल से, लगभग 10-15 साल से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है ड्रैगन। बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है लेकिन उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आप जो भी उसको डिक्टेट करते रहेंगे वो तो कंप्यूटर में आपको लिखता रहेगा सामने स्क्रीन के। प्लस उसमें एक और ऑप्शन भी है कि उससे आप कंप्यूटर चला भी सकते हैं। अगर मैं उसको कहूँगा गो टू डेस्कटॉप तो मुझे डेस्कटॉप के ऊपर ले भी जाएगा। इस तरह की मेन मेन सारे काम भी, अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करानी है तो मैं उसे कहूँगा लॉन्च MS Word, तो मेरे लिए MS Word को लॉन्च भी कर देगा। ये सारे काम वो सॉफ्टवेयर कर सकता है। फिर उसके साथ आज की डेट में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना? तो उसके साथ एक इनबिल्ट भी हमारे पास आता है, राइट? वो इनबिल्ट जो वो साथ में दे रहे हैं, आप सबने देखा होगा कल्टाना करके, है ना? उसको अगर आप ट्रेन कर लेते हो अपनी आवाज़ के साथ सैंपल देके, तो आप उससे भी ये सारे काम कर सकते हैं और वो भी अच्छा खासा काम करता है। फिर आपकी आवाज़ को समझ के टाइप करने का काम भी ये सॉफ्टवेयर कर देता है। या उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जो आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें ये है कि उसके लिए हमें इंटरनेट के साथ हमेशा जुड़े रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अपने मोबाइल में, मान लीजिए कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज किसी को करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके एडिट बॉक्स में जाऊँगा, उसमें माइक को ऑन करूँगा और जो बोलता जाऊँगा वो सारे का सारा वहाँ टाइप होता जाएगा, इंक्लूडिंग पंक्चुएशन। आप पंक्चुएशन भी उसको डिक्टेट कर सकते हैं कि यहाँ कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ नेक्स्ट लाइन, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें लिखवा सकते हैं। तो जो काम हम टाइप करने में, मान लीजिए मुझे 5 या 6 मिनट लगेंगे, उसमें हार्डली 1 मिनट में काम हो जाएगा और साथ ही साथ हम उसे भेज सकते हैं। हाँ, तो उसी में अब नेक्स्ट आ गया, आप यही एप्पल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लैंग्वेजेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में आप ये कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन कई सारी अभी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2-3 साल में पंजाबी और इस तरह की लैंग्वेजेस के लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगी। और यही और मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आ गई, हाथ से लिखा हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि हम OCR तो कर लेंगे लेकिन हाथ से लिखे हुए का क्या करेंगे। उसके आगे तो OCR सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो जाती है,
क्योंकि हर एक व्यक्ति की लिखाई अलग है, लेकिन आज की डेट में अगर हम साफ लिखाई गूगल को दे देते हैं तो वो आपको हाथ का लिखा हुआ भी स्कैन किया हुआ जो इमेज है उसमें से भी टेक्स्ट निकाल के दे दे। तो ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो यूज़र्स हैं उनके। इसके ऊपर कोई सवाल नहीं तो जो अमरिंदर ने अभी एक छोटा सा टॉपिक हमें बताया उसको भी डिस्कस करेंगे। जी मोबाइल में हमें बहुत समय लगता है, तो बिकॉज लैपटॉप हमारा बहुत ज़्यादा कई बार एक्सपेंसिव होता है, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड, तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम अपने मोबाइल के साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड जो है वो भी लगा सकते हैं वाया OTG और ब्लूटूथ कीबोर्ड, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हैंडी। अगर हमें टाइप करना है समवन इज़ फीलिंग कम्फर्टेबली टाइपिंग तो दैट इज़ ऑल्सो हैंडी। और ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए एक स्टूडेंट आया है उसके पास अपना लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, जो भी इस तरह की डिवाइस नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको वेट करने कहेंगे जब तक आप कंप्यूटर नहीं लेते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा अपने घर जाके। तो वहाँ आप ब्लूटूथ कीबोर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें पूरे का पूरा जो फुल फ्लेज कीबोर्ड है उसको भी अटैच किया जा सकता है, पूरे का पूरा जब टाइप करेंगे उसके अनाउंसमेंट मोबाइल के थ्रू हो सकती है। लेकिन मोबाइल ऑपरेट करना अभी इतना ईजी नहीं है, ऑपरेट भी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन टाइप तो बहुत अच्छे से उसमें हो जाती है, अनाउंसमेंट साथ साथ होती रहती है, आप अपना लिखते रहिए, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही में जो यूज़र्स ब्रेल में बहुत अच्छे होते हैं तो वो पहले ब्रेल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे अपनी ब्रेल स्लेट के थ्रू या पॉकेट फ्रेम के थ्रू, बाद में आ रहे थे हमारे पास रोलर्स, उसके बाद आज की डेट में हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं हार्डवेयर के तौर पे भी हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में भी कंप्यूटर में भी। आपकी 6 डॉट्स आपकी फिंगर्स प्लेस कीजिए वहाँ पे, उन डॉट्स का कॉम्बिनेशन वहाँ प्रेस करते रहिए सामने, नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पर वो अपीयर होता रहेगा। जो ब्रेल में जिनकी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है वो टाइप नॉर्मल सीखने के अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए उनको एक ही बार में मदद मिल जाती है। और जो एक अमरिंदर हमें उन्होंने बताया था, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बोलेंगे कंप्यूटर या मोबाइल हमारे लिए उस टेक्स्ट को लिख देंगे और उस हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं बाद में एडिट करके या किसी को फॉरवर्ड करने के लिए, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इम्प्रूव होने के बाद कुछ डिवाइसेस भी आ गई हैं जिसमें ज़्यादा पॉपुलर डिवाइसेस हैं, आपने देखी होंगी, एक है अलेक्सा अमेज़न की और एक साथ में हमारे पास है गूगल होम, इनके भी दो दो तीन तीन आपकी जितनी यूज़ है या जितना हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके कई मॉडल्स हैं, हम मॉडल वाइज उसको ले सकते हैं। फिर उसमें क्या है कि आप हम उसे अपने पास रखेंगे, जो हम उसको बोलते रहेंगे, मैंने उसको कहा कि अलेक्सा टेल मी द टाइम या व्हाट टाइम इज़ इट, जो भी मैं उसको कहूँगा वो उसका जवाब देगी हिंदी में भी, और उसके अलावा अगर मैंने उसे कहा कि न्यूज़ मेरे लिए रीड कर दे तो न्यूज़ भी रीड कर देगी, अगर मैंने उसे कोई बुक पढ़ने के लिए कहा वो भी कर देगी। फिर इसका नेक्स्ट लेवल, अगर हम स्मार्ट स्विच टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने घरों में तो हम घर की डिवाइसेस भी उससे अटैच कर सकते हैं, जैसे अभी के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा एयर कंडीशनर, हमारी LED लाइट और मेरे फैंस, ये चीज़ें डायरेक्टली उसके थ्रू हम यूज़ कर पा रहे हैं। इवन लाइट बल्ब तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर आप कहेंगे अलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट तो वो आपकी वो वाली लाइट को ऑफ कर देगा, या आप टेम्परेचर कंट्रोल करना है, जो भी ये सारी चीज़ें आप हम बोल के कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी महंगी है, दैट्स व्हाई सब तक नहीं पहुंच पा रही है, बट ये आगे जाकर इन फ्यूचर विजुअली, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड की लाइफ को बहुत और आसान बना सकती है। जैसे बात कर रहे थे कि
गाड़ियाँ जैसे स्टार्टिंग की कि आज के डेट में शायद हर व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन ये नहीं कि हर व्यक्ति के पास फ्यूचर में नहीं होगी। अपना अपना व्हीकल तो आज की डेट में सबके पास है, उसी हिसाब से ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती भी हो जाएगी और हर हाथ तक अगर हम पहुँचा सकें। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस का एक काम जो शिफ्ट होने वाला है या हो चुका है आज की डेट में, वो ये है कि ये डिवाइसेस अपने यूज़र्स के पास, जैसे यूरोप और बाकी कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, वहाँ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट यूज़र को नहीं करनी होती, गवर्नमेंट करती है, प्लस 35-70 इनकी रेशो है वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, वो यूज़र को वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसका इस्तेमाल करें। अब हमें भी धीरे धीरे ये देखना है कि अपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि डिवाइसेस सब तक पहुँचा दें। जैसे हमने अभी टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं की, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब को डिस्कस कर लिया, डेजी प्लेयर्स इनको हमने डिस्कस अभी नहीं किया है। स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेजी प्लेयर कई कंपनीज के आते हैं जिनमें कि आपको हिंदी, पंजाबी, सॉरी हिंदी और इंग्लिश की सपोर्ट तो मिल ही रही है, साथ में बाकी लैंग्वेजेस की सपोर्ट भी अब मिलनी स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनके अंडर भी ये डिवाइसेस वाचक डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, वो स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें जिनको नहीं पता, जो सामने लिखा हुआ आता है वो बोलता भी है, आप स्क्रीन देखने वाला उसमें थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ भी सकता है, या कुछ डिवाइसेज ऐसी हैं जिनमें स्क्रीन होती नहीं, वो सिर्फ ऑडियो डिवाइस के तौर पे काम करती है, जो जो बटन प्रेस करेंगे उसका सामने से आवाज़ आती जाएगी, तो उसके थ्रू भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं जी। कोई इसके ऊपर सवाल अभी तक नहीं है, नेक्स्ट पे चले। तो यही मुझे एक चीज़ और अभी स्ट्राइक की थी कि हम लोग जैसे डेजी प्लेयर्स वगैरह हैं, वो सॉफ्टवेयर के रूप में भी अवेलेबल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस तरह की बुक्स, ई बुक्स ई बुक्स और डेजी बुक्स ये सारी पढ़नी है तो आपको डेजी प्लेयर ही लेना पड़ेगा। आप एप्पल में भी, हम लोग और मोबाइल में भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, मैक में भी, वो वही बुक हम उसमें ओपन करके प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। या आज की डेट में क्या किया गया है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादातर मिलके पार्टनरशिप में एक प्लेटफॉर्म आया है सामने, सुगम, या एक और भी है सुगम के साथ ही अटैच है, हाँ जी प्लीज, बी के नाम है, कौन सेव कर रहा है, बुक शेयर। इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ज़रूर स्टूडेंट को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि वहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं। फिर सेकंड, अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो आज की डेट में अमेज़न के ऊपर, गूगल के ऊपर इतनी बुक्स पढ़ने के लिए अवेलेबल हैं कि अगर हम आज की डेट में कहें कि बुक्स नहीं हैं तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही नहीं होगा। ये हो सकता है सिलेबस बुक्स कुछ ना अवेलेबल हों, लेकिन रीडिंग के लिए बहुत मटीरियल। यहीं पर एक और बात कर लेते हैं, कुछ एक सॉफ्टवेयर्स और हैं जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जैसे ऑडियो करके एक नाम है, एक हिंदी के लिए है, अभी मुझे ऑडिबल भी है, और दो और भी एप्लीकेशन है जिसमें आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी। वहाँ पर हिंदी की बहुत सारी बुक्स क्या है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं, जैसे फिक्शन लेना है आपको, वो फिक्शन बहुत अवेलेबल है वहाँ पे, वो रीड किया जा सकता है। तो बुक्स हमारे पास पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, मेन है कि हमें उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टार्ट करें उसका जी। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम मंगलेश है। मैं ये जानना चाहता कि जैसे आपने जो अभी डिस्कस किए, हमने प्लेयर्स, जैसे डेजी प्लेयर है जो मोबाइल से ही पढ़ते हैं, इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग एंड बुक को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं किताब को, क्या कोई ऐसा सिस्टम भी है जिसकी, जैसे मैं लिसनिंग इतनी पसंद नहीं करता कि कितनी देर बंदा किताब सुनने का दिमाग खराब हो जाता है, सुनते रहो, इज देयर एनी सिस्टम विच अलाउज मी टू रीड इंक बुक विथ माई ओन हैंड्स इन अ ब्रेल सिस्टम, इज इट पॉसिबल? मैंने सुना ऐसा कुछ है, पर आई थिंक यू हैव नॉट शेड द लाइट ऑन दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज मे बी आई केम अ लिटिल लेट आल्सो।
तो इसके बारे में कुछ बताइए जरा डिटेल में, क्योंकि मुझे ब्रेल का एक्सपर्ट मेरे भगवान की दया से अच्छी है ब्रेल मेरी, तो आई लव लव रीडिंग थ्रू हैंड्स, तो इसके बारे में क्या और कितनी स्पीड से हो सकता है प्रोसेस? अगर मेरे पास कोई इंक की बुक है तो उसको मैं ब्रेल से कैसे पढ़ूं ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो? इनकी चीज के साथ सर मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि ये सेकंड जनरेशन आ गई है सर, क्योंकि यंग जनरेशन जैसे हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स के लिए तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और हम जैसे लोग जो 30 प्लस हो चुके हैं 40 प्लस जो हो रहे हैं वो ब्रेल के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, तो वो ब्रेल टेक्नोलॉजी और ब्रेल को दोनों को साथ साथ में लेके चलना चाहते हैं। Absolutely. तो उन लोगों के लिए कुछ आप बिल्कुल बताइए जैसे हम बात भी कर रहे थे। थैंक यू। इससे हम छोटा सा टच लेके गुजर गए थे, ये दो तीन टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर है जिसमें एक टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्कैनिंग, फिर OCR टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं उससे, फिर उसको ब्रेल डिवाइस के थ्रू पे हम यूज़ करते हैं। अब स्कैनिंग और OCR हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, यानी इन दोनों की मदद से हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल हो गया है, जिसको कहते हैं कि हम अक्षर हमारे पास निकाल के उसने हमें दे दिए, अब रह गया नेक्स्ट उसको ब्रेल में लेके जाना। तो वहाँ पर हमारे पास पहले ऑप्शंस एक ही थी कि हम लोग ब्रेल जो अपने एम्बॉसर्स हम लोग यूज़ करते थे, ब्रेल प्रिंटर जिनको हम ज़्यादातौर पर कह देते हैं, वो प्रिंटर में हम लोग कागज़ डालते हैं और कागज़ पे जो भी था प्रिंट किया हुआ वो कागज़ के ऊपर हमारे पास ब्रेल में लिख के आ जाता था, हम उसको पढ़ लेते थे। ये थी, अभी उसमें क्या चेंज हुई है कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी भी हो गई है, पहले बहुत कॉस्टली थी, लाखों में उसकी कीमत थी, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ये एक अगर मैं नॉर्मली एक आम भाषा में कहूँ एक बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी को मिक्स किया हुआ है। आपके सेल्स हैं उसमें 40 सेल का लेते हैं या छोटे से छोटा 6 सेल या 8 सेल आपके मुताबिक आप उसको परचेज कीजिए, वो हार्डवेयर है उसे परचेज करना होगा, फिर उसको आप अपने कंप्यूटर से अटैच कर लें थ्रू ब्लूटूथ कर लें, थ्रू वायर कनेक्टिविटी दे दें उसको आप या वायरलेस कनेक्टिविटी दे दें, जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं जो फोकस में है डिपेंड करेगा कि आपका रिफ्रेशेबल जो सेल्स हैं वो उसमें कितने हैं, उतने अक्षर उसके ऊपर उभर के आते रहेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी, प्रीवियस लाइन करेंगे प्रीवियस लाइन करेगी, आप उसको फिंगर से टच कर करके पढ़ते रहें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको कंप्यूटर या मोबाइल से जोड़ना ही है, उनमें अपनी मेमोरी भी आप पेन ड्राइव लगाइए या उसकी अपनी मेमोरी में शिफ्ट कर लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए उस फाइल को, फिर उस फाइल को उसमें ओपन कीजिए, उसमें रीडिंग भी है, वॉइस भी है रीड करने के लिए, और आप उसको डायरेक्टली मेन्यूज वो रीड करेगी, आप उसको ब्रेल से टच करके मेन्यूज करके जैसे भी वो बुक को पूरे का पूरा पढ़ सकते हैं जैसे एक नॉर्मल पेपर पढ़ते हैं, जैसे PDF वगैरह में भी वो उसको कन्वर्ट कर देगा ब्रेल में। बिल्कुल, ये क्या है कि जिस तरह के डिवाइस लेते हैं वो डिवाइस फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, PDF, RTF, वर्ड, ब्रेल का जो फॉर्मेट होता है बेसिक हो तो उसने करना ही करना है, तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं TXT, ये फॉर्मेट्स को वो सपोर्ट करती हैं डिवाइसेस, उन फॉर्मेट की कोई भी फाइल आप उसको देंगे वो ओपन करके आपको रीड करके देगी, जिसमें जी बोल हाँ जी और कोई सवाल इसके ऊपर? हेलो सर, मेरा नाम विशांत है सर, मैं मनी रीडर नोट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि नोट कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके लिए कोई ऐप है अवेलेबल? राइट, ठीक है, जो आपको करेंसी आइडेंटिफाई करनी है, नोट पहचानना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन है, कुछ और भी है लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे पसंद है, मैं वो नाम बता देता हूँ, वो है मनी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए, इंस्टॉल करें, और उसको मानी भी बोलेगा आपका स्क्रीन रीडर, तो उसके स्पेलिंग्स इस तरह हैं, उसमें आप एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, पहले आपको ज़रूर उसको फर्स्ट टाइम दो तीन स्टेप्स हैं वो स्टेप्स ऑडियो में उससे में से आवाज़ आती है, अब उसको आंसर करना है आपको, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे कुछ भी नहीं करना, नोट को सीधा उल्टा आड़ा तिरछा जैसे मर्जी बस अपने कैमरा के आगे कर दीजिए,
वो आपको साथ ही बता देगा ये 10 रुपी नोट है, 100 रुपी नोट है या कितना नोट है। अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ नहीं भी कर रहे, किसी कारण आपके पास नहीं है, तो जो हमने पहले एप्लीकेशन डिस्कस की हैं गूगल लुकआउट या सींग AI, उसके सामने भी नोट कीजिए। वो करेंसी ऐसे आइडेंटिफाई इंडियन करेंसी नहीं करता, लेकिन वो रीड कर देता है उसको के वैल्यू ऑफ 10 इस तरह से या 100 ये सारा रीड कर देता है। सर इसके साथ एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि अगर जो लोग परचेज कर सकते हैं वो, मतलब मैं पर्सनली इसमें कैश रीडर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा। क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं जिनको इस तरह के काम करने ज़्यादा चीज़ें पे काम करना है, उनके लिए ये चीज़ बढ़िया है। बिल्कुल, एक मिनट। कॉइन्स को भी करता है सर, सिक्कों को भी आइडेंटिफाई कर लेता है? नहीं, कॉइन्स के लिए अभी कोई ऐसी ऐप नहीं है हमारे पास ना, शायद वो भी एक्सेसिबल धीरे धीरे कर दिए जाए। नमस्कार सर, मैं रोहित चौहान बात कर रहा हूँ सर, पटियाला से। एक्चुअली सर, मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी हमें थ्योरेटिकल बहुत कुछ समझाया जा रहा है यहाँ पर, तो बेसिकली जो हम कंप्यूटर का जब कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं या कोई भी इनमें से कोई भी जाएंगे हम में से, तो उसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में कोई ऐसा ऐसी कोई संस्था या इस तरह कोई चीज़ कोई कहीं पर बताया जा रहा है कि जो, जैसे अभी मंगलेश भाई ने सवाल किया था कि ब्रेल को हम, मतलब इंक को हम ब्रेल में ऐसा कर सकते हैं, या इस तरह से। मैं, मेरा बेसिक सवाल यही है कि क्या कोई ऐसी संस्था है जो इस तरह की, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा समझ में आता है, और थ्योरेटिकल भी ठीक है बट प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है। सर थैंक यू। सर मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। आप जो हैं इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप अपना एफर्ट खुद करेंगे तो आप कई चीज़ें तो अपने आप ही सीख लेते हैं। आप YouTube पे कई तरह के ट्यूटोरियल्स जो कि जॉज के साथ भी हैं, NVDA के साथ भी हैं, रेडियो उड़ान के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स वहाँ पे पड़े हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको लेकर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं। आप उनको सुनोगे और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप उसमें मतलब कामयाब होंगे। संस्थाएं भी जितना भी कोशिश करेंगी, एक तो ये फाइनेंशियली अच्छा रहता है कि संस्थाओं को भी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है बाकी। और वैसे भी अगर आप जो कंप्यूटर या कोई भी टेक्नोलॉजी है उसके अगर आप हार्डवेयर से पूरी तरह परिचित हो तो आपको सॉफ्टवेयर में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आपकी समझ अच्छी है और लैंग्वेज के साथ आपकी पकड़ अच्छी है और आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है हमें उसको समझने की ज़रूरत है। नॉलेज हम किस तरह से लेते हैं, अगर हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि भाई आपको फाइल ऐसे सेव करनी है, आपको फाइल ओपन ऐसे करनी है, मैं इस तरह की टीचिंग में डील नहीं करता क्योंकि शायद हमें ये चीज़ें मिली नहीं थी, क्योंकि आई वॉज़ द फर्स्ट और कहीं पर कोई सिखाने वाला नहीं था। हमारे साथ यही हुआ कि हम हेल्प पढ़ पढ़ के सीखते थे, कहाँ पे भी जैसे विंडोज़ का अगर सीखना है तो उसकी हेल्प ओपन की, उसको रीड किया, एक दो बार आपको चीज़ समझ नहीं आई फिर आपने दोबारा रीड किया, धीरे धीरे जब चीज़ आपको समझ आती है उससे आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं होती, आपकी एक इंटेलिजेंस लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो नेक्स्ट टाइम जैसे अभी उन्होंने बताया कि खुद एक्सप्लोर करने की आपकी एक क्षमता बढ़ती है, आप एक एप्लीकेशन सामने आएगी फिर आप ये डिपेंडेंट नहीं अपने आप को रखोगे कि जी को मुझे सिखाएगा कौन, आप उसको खुद ही एक्सप्लोर करोगे, उसमें से ढूंढोगे हाँ जो दिक्कतें हैं, फिर आप उन दिक्कतों को डिस्कस करोगे। इसको ज़्यादातर जो मेरा तजर्बा है कि जो लोग किसी भी फील्ड में थोड़ा आगे निकल जाते हैं उनके पास टाइम की भी उतनी ही लिमिट भी होती जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी उतना अपडेट करना है नई चीज़ों के साथ, फिर वो ऐसा नहीं हो पाता कि वो आपको सामने बिठा के पूरे का पूरा सिखाएं। वहाँ ये होता है कि आप अपना 10-20% कराएं, बाकी का डिस्कस करेंगे मुझे यहाँ यहाँ दिक्कतें आ रही हैं इसका क्या हो सकता है, वो फिर आपको पूरे की पूरा नॉलेज भी दी जाएगी। और आप जो कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं है कम से कम 25-30 मेरी नॉलेज में तो हैं जो लोग अलग अलग लेवल पे इस तरह का काम कर रहे हैं। ज़रूरत है कि अपने जितने भी ऐसे साथी हैं उनको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या ईमेल ग्रुप्स हैं उनमें ज्वाइन कराइए, वो जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उस नॉलेज को वो लेके आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक दिन का सेमिनार करेंगे या दो दिन का भी कर लेंगे यहाँ प्रैक्टिकल्स बहुत लिमिटेड हो पाएंगे।
वरना हम चार या पांच चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, सारी नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी अपना बहुत बड़ा पार्ट है अभी बैंकिंग, ये सारा पार्ट हमने अभी तक टच भी नहीं किया है, तो वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा कुछ ही ऑनलाइन हो गया है। तो इस तरह से हमें अपने आप को सेल्फ लर्निंग की आदत बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि पहले खुद सीखिए, अगर नहीं आ रहा फिर किसी से पूछिए। अब जैसे जोज है, हम कमांड्स किसी से फॉर्म करके पूछ लेते हैं कि इसकी क्या कमांड होगी। जोज एक ऐसी चीज़ है, उसमें अंदर हेल्प मेन्यू में हर कमांड आपको मिलेगी, पहले वहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हमें अपने स्टूडेंट्स को मतलब सेल्फ लर्नर बनाना है। हमें उनको ये नहीं करना कि बेसिक कोर्स नहीं करा देना कि जी लीजिए 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 ऐसा ऐसा ही चल रहा है, आपको ये चीज़ आ गई। बाद में फिर वो जाके जब उनको खुद करना पड़ता है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आपने कोर्स किया कहीं से भी किया, फिर जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाता है, घर पे अपना कंप्यूटर ऑन करके बैठते हो ना, आपके पास करने को कुछ नहीं होता, फिर सोच रहे होते हैं मैं क्या करूँ इसके ऊपर। लेकिन जब वो अलग अलग ईमेल ग्रुप्स में होगा, वो वेब एक्सप्लोर करेगा, नई नई चीज़ें सीखेगा पढ़ेगा, तो काम अपने आप मिलते जाते हैं और लर्निंग अपने आप होती जाती है। अगर चलिए हम स्विच कर जी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज रेखा। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब इमेजेस को टेक्स्ट में रीड करने की एप्लीकेशंस होती हैं, तो सर कोई ऐसी एप्लीकेशन है क्या, वो एप्लीकेशंस वो सब भी रीड कर सकती हैं? जैसे मैंने बैंगल्स हैं या नेकलेस है, या फिर वो बैंगल्स गोल्ड में है या जर्कन में है, इस टाइप की एप्लीकेशन। ये सर बिल्कुल महिलाओं के लिए ये चीज़ है कि कलर रिकग्निशन के लिए, कि मैचिंग के लिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी ऐप जिसके बारे में इनको कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। कलर आइडेंटिफायर्स कई सारी एप्लीकेशन आती हैं, सिग्नल साउंड इस तरह के बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए फीचर हैं। अभी आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस मुताबिक आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। और जो आज के कैमराज हैं, पहले वाले कैमराज को तो मतलब ब्लैक में और डार्क शेड्स में फ़र्क नहीं पता चलता था, अभी तो आपको क्लोजेस्ट कलर मिल जाते हैं, इवन शेड भी आपको बहुत टाइम करेक्ट मिल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन हैं। सिर्फ रीडिंग के लिए है, उसमें कलर का नहीं है। हो सकता है वो चीज़ की पहचान चाह रहे हो, कि कहाँ पड़ी है मेरी बैंगल्स सामने, वो ढूंढना चाह रहे हो। नहीं सर, सॉरी सर, सर फोटो है मेरे पास बैंगल्स की, अलग अलग टाइप के बैंगल्स हैं, कोई गोल्ड में है, कोई जर्कन में है, तो सर उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि दिस इज गोल्ड? आपके पास इमेजेस हैं, आप उनमें से कलर देखना चाहते हो, कौन से कलर की है सामने आपके। हाँ जी सर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी टेक्नोलॉजी यूज कीजिए। और उसमें क्या है कि उसको एक तो एप्लीकेशंस हैं, आईडी प्रो है, वो आपको इस तरह की जो सामने इमेजेस हैं उसके कलर वगैरह बता देता है निकाल के। लेकिन उसमें क्या है, कई बार इमेज किस क्वालिटी की है, उसके ऊपर शेड्स कैसे हैं, इमेज लेने वाले ने कैसी इमेज ली है, उससे रंग कई बार थोड़े बहुत इधर उधर शुरू होते हैं, लेकिन हो जाता है ये भी करना। थैंक यू वेरी मच सर, आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि एक टॉपिक बहुत बड़ा है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आई थिंक डिस्कस हो जानी चाहिए। सर गुड आफ्टरनून सर, सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, एनवीडिया के ऊपर था सर। यस सर, एक्चुअली सर मैं अभी न्यू बिजनेस में ऐड हुआ हूँ सर। एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा था, क्या कहते हैं, मैं ना मार्कशीट बना रहा था एनवीडिया से, तो मैंने देखा क्या कहते हैं कि ना मैंने जो सेल्स ने क्या कहते हैं वो लिखा है, क्या कहते हैं जो मैंने फेल किए थे, तो मैंने उनको ना कलर कर दिया था, रेड कलर कर दिया था, जो पास हो गए उनको ग्रीन कलर कर दिया था। लेकिन जब मैं उनको मैं पढ़वाता हूँ, उसको स्पीच करवाता हूँ, तो वो उसका कलर नहीं बताता है, वो सिर्फ मतलब बता देता कि हाँ भाई ये 35 नंबर का है, ये 33 नंबर है, मतलब कौन सा कलर है, मतलब उसमें मैंने रेड किया है, तो उनको शो करना चाहिए था कि हाँ भाई रेड कलर है और ये 35 में लिखा हुआ है, तो उनको ये चीज़ बतानी चाहिए थी। आपने जैसे बताया कि आप एक नए यूजर है, आपको भी स्क्रीन रीडर के कीबोर्ड कॉम्बिनेशन सीखने पड़ेंगे,
वो दो कीज के भी हैं, तीन कीज के भी हैं, कई जगह चार कीज के भी हैं, ताकि आपको बहुत डेप्थ नॉलेज मिलती है। इन केस जैसे मैं इस सवाल को इसमें मैं लूँ कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर स्क्रीन रीडर पढ़ते टाइम बोलते लगे आपको तो समझ ही कुछ नहीं आया कि कहाँ बोल्ड हो गया, बीच में वो भी बोल देगा, टेक्स्ट भी पढ़ रहा है, बोल्ड भी बोल रहा है, टेलीसाइज भी बोल रहा है, कलर भी बोल रहा है, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्क्रीन रीडर्स में कीबोर्ड कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आपको जहाँ जिस जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ उस कीबोर्ड कॉम्बिनेशन को प्रेस कीजिए और उस वाली इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। फॉन्ट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, आप तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फॉरग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती हैं। आप एक काम कीजिए, NVDA की हेल्प ओपन करें, उसमें आपको ये सारे कीबोर्ड कॉम्बिनेशन मिलेंगे, उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी पढ़ लीजिए, वहाँ भी मिलेगा। आपको बड़ा अजीब लगेगा अगर वो बोलेगा बोल्ड इटैलिक 30% रेड, हाँ कुछ भी नहीं समझ आएगा। पढ़ने टाइम उसको टेक्स्ट ही पढ़ने दें, ये बाकी लैंग्वेज कौन सी है, फॉन्ट कौन सा है, ये चीज़ें आप अपने टाइम जब ज़रूरत है तो अनाउंस कर सकते हैं। जी अभी हम फटाफट मूव कर जाते हैं, जो टॉपिक ले लेते हैं जिस पे ज़्यादा टाइम ज़रूर लगना था लेकिन आज की अब टाइम कम है। मैं सर को एक मिनट के लिए मैं आपको सर रोक रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, जिनके क्वेश्चंस हैं अभी हम अपने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लंच के बाद जिन लोगों की जो जो क्वेरीज हैं हम उसके बाद भी रुकेंगे। अगर आपके जो जो क्वेश्चन हैं हम सर से पर्सनली भी और हम यहाँ बैठे होंगे और आप पूछ सकते हैं। तो सर बिल्कुल, तो हम फटाफट अभी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लंच के बाद इसको, ठीक है जी। आज की डेट में जब हमारा टाइम चेंज हुआ, टाइम के साथ साथ इस साल में ज़िंदगी ही बदल गई, हम में से मुझे लगता है जितने बैठे हैं किसी ने नहीं सोचा होगा हम ज़िंदगी में ऐसा टाइम देखने वाले हैं। ये एक नया टाइम आया जिसके साथ हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया और लगभग लगभग हम ज़िंदगी के साथ अब रहना सीख चुके हैं। तो अडेप्टेशन ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो गई टेक्नोलॉजी के साथ। जो विजुअली चैलेंज मुझे आज भी याद है, पर्सन जो थे चैलेंज्ड वो टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो आज की डेट में उनको मजबूरन यूज़ करनी पड़ गई क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। तो इसलिए हम चाहते हैं अभी छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे आपको मूव करना है, घर से निकले, घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके, तो वो नहीं कर सकते हम, डरना नहीं है, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस से निकलना है। कुछ चीज़ें हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी से डिस्कस की कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रीडिंग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, प्लस उसमें आप अपनी जो गाइड करने के लिए हमारे पास स्मार्ट स्टिक्स हैं, स्मार्ट केन्स हैं, वो भी यूज़ कीजिए। प्लस उसके साथ आप आज की डेट में हर शहर में लगभग ओला उबर रैपिडो ये चीज़ें आ चुकी हैं, खुल के इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये सेफ़ है, कंपैरेटिवली इजी एक्सेस है, आपके घर तक आती हैं, घर से लेके घर तक छोड़ती हैं। और नंबर दो इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आपको पर्सन के साथ टच को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मली आप निकलेंगे तो आपको पर्सन के साथ टच में होना पड़ेगा, यहाँ ये है कि अगर आपने टैक्सी की अपनी बुक की कैब की उसमें बैठ गए चले गए तो आपको जो नोट देने हैं नोट उनसे लेने हैं वो आप ऑनलाइन डायरेक्टली उनको दे सकते हैं, और आपको वो देने भी एप्लीकेशन जिनकी है कंपनी की उनको देने हैं, कंपनी उनको अपने आप दे देगी। तो जिसमें कि वो आज जो होता है ना बिजली चैनल को देख के बहुत सारे हम एक्सपीरियंसिस पहले करते थे कि वो घुमाता रहा बेमतलब गलत जगह छोड़ के चला गया, अगर आपके साथ कोई ऐसा कर देता है तो आप उसकी रेटिंग ख़राब कर सकते हैं, उस रेटिंग ख़राब के ऊपर उसको पेनल्टी डलेगी, पेनल्टी उसको फाइनेंशियल लॉस करेगी। और मैंने जब तजर्बे से सीखा है तो सबसे ज़्यादा किसी को इंसान तब सीखता है जब उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, तो वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस चीज़ को खुल के यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ इसमें आई कि हम यूज़ कैसे करेंगे टेक्नोलॉजीज़ का, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है ये सारा कुछ, इसमें क्या क्या हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। बेसिकली हर बैंक में हमारा कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता है, हर एक का कोई ना कोई एक तो ज़रूर होगा ही होगा जिसको हम यूज़ करते हैं। फिर उसमें हम लोग उसकी कुछ अपनी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। पहली है जो इंफॉर्मेशन बैंक पे है उसको जस्ट आप व्यू कर सकें, ताकि अगर आपको डर है कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन किसी के हाथ लग गई तो वो मेरे पैसे ना निकाल ले, तो आप सिर्फ ट्रांजैक्शन राइट्स ना लीजिए, सिर्फ व्यू करने के लिए ले लीजिए फर्स्ट स्टेप। जिनके मन में बहुत डर है इतना भी कर लें तो उन्होंने एक कदम तो बढ़ा लिया। अब आगे नेक्स्ट कदम में आप ट्रांजैक्शन राइट्स भी लीजिए।
जिसके साथ आप हम क्या करेंगे अपना मोबाइल, चले पहले मोबाइल छोड़ के हम कंप्यूटर्स या इस तरह की चीज़ों को वेब ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, हमारा बैंक अकाउंट सामने खुल जाएगा। उस बैंक अकाउंट से हम किसी को पैसे दे भी सकते हैं, किसी से पैसे मंगवा भी सकते हैं और चीज़ें भी खरीद सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, मतलब अपने बिल भी भर सकते हैं और इस तरह की सारी काम भी। इवन अगर हमें अपने पैसे जमा करने हैं तो पैसे जमा भी कर सकते हैं, अपनी FDs भी बना सकते हैं बैठे बैठे, अपने PPF में डाल सकते हैं, PF में डाल सकते हैं, LICs की अमाउंट भर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ईजीली इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर आ गया नेक्स्ट लेवल के ऊपर, इंटरनेट बैंकिंग के बाद हमारे पास जो चीज़ें हैं, हर एक बैंक ने अपनी एक एप्लीकेशन खुद ही लॉन्च की मोबाइल डिवाइसेस के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो आप डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए, तो यही सारे काम ऑलमोस्ट आप उस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मेरा मान लीजिए अकाउंट SBI में है तो मैं SBI की एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा। अगर मेरा यूनो अपडेट होकर, अब यूनो कर दिया हमने, अब मान लीजिए HDFC में है तो मैं वो वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, IDFC में है तो वो इंस्टॉल कर लूँगा। अब नेक्स्ट आ गया, इसमें भी आप सारा कुछ काम वैसा ही कर सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट स्टेप आया कि आप कितनी एप्लीकेशंस मेंटेन करें। फिर बात आ गई कि जी ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उससे हम ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, जिसके कि पिछले हमारे कुछ साल इंडिया के इसी काम में निकले हैं, UPI भी एक किसका माध्यम है ट्रांजेक्शन करने का। उसमें फिर क्या हुआ कि आप एप्लीकेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो कई बार मैटर नहीं करती, आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हो उस एप्लीकेशन से, उस एप्लीकेशन में आपके पैसे डाल देते हो, वहीं से डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हो। जिसमें कि पॉपुलर एप्लीकेशन के आप नाम, गूगल पे, राइट, पेटीएम, फोनपे, जी हाँ जी, भीम, बिल्कुल, मैक्सिमम है। बस ये है कि कहीं आपको थोड़ा एक बार उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, कई जगह पे क्या है कि बटन अगर आ भी रहा है तो वन टाइम किसी को दिखा लें, किसी एक्सपीरियंस से पूछ लें, या वन टाइम दिखा लें, उसको लेबल कर लें और नेक्स्ट टाइम आपका फिर वो बटन की जगह वो नाम बोल देगा, इसको यूज़ किया जा सकता है। और अगर बैडली कोई डिज़ाइन की गई एप्लीकेशन है उसमें लेबल नहीं भी कर पा रहे हो किसी बटन को, किसी जगह हो जाता है, तो वहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि ये इसके दो स्टेप बाद मेरा ये वाला बटन था, मैंने ये वाला यूज़ करना, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, वही जो हमने डिस्कस किया, आप ही बताइए। हाँ जी प्लीज़, ये एप्लीकेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, भीम से, पेटीएम से, इनसे क्या हो सकता है, बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं जो बैंक में जाके एक ही बार नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप इस तरह की सारी चीज़ें, किसी भी अमाउंट अगर आपको भेजनी है, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिशरीज ऐड नहीं करने होते, आपके पास इजी मेथड्स आ गए। पहले क्या होता था, बेनिफिशरी ऐड कीजिए, चार घंटे में वो या जितने भी टाइम में अपने अलग अलग एक्टिवेट होगा, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट, फिर ट्रांसफ़र की लिमिट होती थी। अभी क्या है कि अभी उसमें बेनिफिशरीज नहीं चाहिए, आपका फ़ोन नंबर भी आपकी आइडेंटिटी हो सकता है, आपका एक अकाउंट नंबर भी आपकी आइडेंटिटी हो सकता है, आपने क्या बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो ये सभी लोग यूज़ करें, तो इससे क्या है कि हम टच में भी कोशिश हो सकती है कि कम आए, जो नोट हमने वापस ले लें पॉकेट में डालेंगे, हो सकता है उस पर कोई वायरस हो, तो उनसे भी हम बच सकते हैं। फिर हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कि ये सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई। अब लेकिन ये एप्लीकेशंस में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, कि आपको उस धोखे से ज़रूर बचना है। धोखे से अगर नहीं बचेंगे तो हो सकता है कि हमारी जमा पूंजी कोई भी मतलब हमें नुकसान पहुँचा रहा है, उससे कैसे बचेंगे। देखिए, ज़्यादातर इस तरह की एप्लीकेशन एक मेथड से आपको सिक्योर नहीं करती, वो एक से ज़्यादा मेथड से सिक्योर करती है। कोशिश कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम लोगों से शेयर करें। पर्सनल इंफॉर्मेशन में मतलब डेट ऑफ बर्थ तो आपका बहुत हो पता होगा, लेकिन आपका अकाउंट नंबर सबको देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसे दीजिए। आपका ATM नंबर सबको देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो देने की ज़रूरत नहीं है,
एक्चुअली आपका क्रेडिट कार्ड नंबर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जिस भी एप्लीकेशन में आप अगर डाल रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी ऐसे डिवाइस को यूज़ कर रहे हो जो आपको अपना नहीं है, या आपका डिवाइस कई लोग यूज़ करते हैं, तो हमेशा लॉग आउट कीजिए। आपने जब काम किया उसके बाद उस एप्लीकेशन जो भी है, वो वेब बेस्ड है या जो भी एप्लीकेशन है, उसको बंद कर दीजिए, ताकि अब नेक्स्ट पर्सन के पास जब मोबाइल आपका या कोई भी लैपटॉप जाएगा वो ब्राउज़र खोले, तो दोबारा से आप वो यूज़ ही ना करें। फिर ज़्यादातर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी करवाते हैं। ये नहीं है कि आपने एक पासवर्ड है, लॉगिन किया, बस आपकी ट्रांजेक्शन में बोली शुरू हो गई, नहीं। उसमें ये रहेगा कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका कोई ट्रांजेक्शन पासवर्ड होगा, या हो सकता है कि जैसे कई एप्लीकेशन का हमने नाम लिया, पेटीएम, भीम, वो लॉगिन करते हुए आपकी फिंगर से भी आइडेंटिफाई करवा लेती हैं आपको। लेकिन जब आपने पैसे भेजने हैं हमें, तो उस टाइम पे हमसे वो कहेगा कि लाइए अपना जी ट्रांजेक्शन पासवर्ड इसमें एंटर कीजिए, तो मैं ट्रांजेक्शन करूँगा। फिर वो पासवर्ड आपको गलती से भी किसी से शेयर नहीं करना है। फिर इसके में आ जाते हैं एक OTP, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड आपके लिए पर्सनल है, वो किसी भी और व्यक्ति के लिए नहीं है। ज़्यादातर फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, अभी पीछे एक स्कैम इंडिया में पकड़ा गया है, हज़ारों अकाउंट्स में उन पर्सन यही कर रहे थे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले ली उन पर्सन से, उनका एक बार इन्फॉर्मेशन ली थोड़ी सी, और उनके नाम पे ई सिम तो आप सबने सुना होगा, आई थिंक ई सिम इशू करा लिया, फिर आपके नाम पे बैंक अकाउंट भी खुल गया। तो फ्रॉड करके किसी के बैंक अकाउंट से छोटी छोटी अमाउंट अलग बैंक जिनके उन्होंने खोले हैं उन बैंक अकाउंट में जमा करके वो विड्रॉ करते रहते हैं, उसका। तो इस इन्फॉर्मेशन से हमेशा शेयरिंग से बचना है। फ़ोन किसी का भी आ जाए, अगर वो कह रहे हैं मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, कभी नहीं, मुझे पहले अपने IVR के ऊपर एक्सेस दो। वो आपको अपने IVR पे लेके जाएगा, उस IVR में उनका जो है IVR आपसे अनाउंस करेगा, आपका वो जो पासवर्ड है, पिन है, वो आपसे एंटर करवाएगा, फिर आपको लॉगिन करवा के देन आप उनसे कोई भी बात शेयर कीजिए। उससे पहले कभी भी किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना कीजिएगा। और ज़्यादातर हम लोग कर बैठते हैं गलती से, उन्होंने वैसे ही किया कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, आपका ये क्रेडिट कार्ड ये है जी, तो आपका बैंक का नाम नहीं लेंगे, आप ही बता देंगे जी मेरा SBI का है। तो एक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी, फिर हम सेकंड इन्फॉर्मेशन दे देंगे, वो धीरे धीरे महीने भर में आपसे चार इन्फॉर्मेशन लेके वो यूज़ कर जाएंगे, तो हमें धोखा हो जाएगा। इसमें हमें हमेशा बचना है। नेक्स्ट, हम जो पासवर्ड्स कैसे रखें, पासवर्ड्स हमें हमेशा ऐसे रखने चाहिए। आजकल तो ये हो गया है कि हर वेबसाइट आपको खुद ही गाइड कर देती है कि जी देखिए A to Z जो है अल्फ़ाबेट्स उसमें से लीजिए, एक आपका वो मिनिमम होना ज़रूरी है, एक नंबर मिनिमम होना ज़रूरी है, एक स्पेशल करेक्टर मिनिमम होना ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखिए कि आपके पासवर्ड में होनी ज़रूरी हैं। और कभी भी पासवर्ड हमारा फ़ोन नंबर के लास्ट करेक्टर नहीं होना चाहिए, हमारा बर्थ का ईयर, हमारा डेट ऑफ बर्थ और मंथ नहीं होना चाहिए, हमारा कभी भी ईयर नहीं होना चाहिए, हमारा कभी भी हाउस नंबर नहीं होना चाहिए, गाड़ी का नंबर नहीं होना चाहिए। ये हम ज़्यादातर, एक सर्वे हुआ कि ज़्यादातर पर्सन इसी में ही कोई पासवर्ड चूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसी में ही होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है डाल दी जाती है, वो उसके उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन ट्राई करते करते उसको क्रैक कर लेते हैं। तो इससे हमेशा बचिए, कोई ऐसा टिपिकल यूज़ कीजिए कि जो कि आपके लिए आसान हो याद कर रखना, किसी दूसरे के लिए मुश्किल हो। जैसे एक अपना ही फॉर्मेट क्रिएट कीजिए, मान लीजिए आपने अपना फॉर्मेट क्रिएट किया कि जी मेरा पासवर्ड है 1234, लेकिन मेरा जब भी पासवर्ड 1234 आएगा तो मैं उसे 4231 रखूँगा। तो ज़्यादातर चार डिजिट के होते हैं ना पेन, तो अब उसमें ये फॉर्मेट रख लीजिए कि मैंने पासवर्ड ये रखा है लेकिन उसको उल्टा सीधा कर दिया है, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोशिश करें कि अपनी एप्लीकेशन अपने ही डिवाइसेस पर रखें। और प्ले स्टोर के ऊपर ये आदत आजकल हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम प्ले स्टोर पर गए, गेम इंस्टॉल कर ली, वहाँ गए दूसरी एप्लीकेशन डाल ली, वो अनइंस्टॉल की, तीसरी डाल ली, चौथी डाल ली। रेटिंग जब तक हम उसकी नहीं देखते, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें,
क्योंकि लास्ट स्टडी के मुताबिक इंडिया में जितने मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं आई थिंक उसका 43% अगर मुझे सही याद है वो सारे किसी ना किसी वे में कॉम्प्रोमाइज है, उनकी इंफॉर्मेशन किसी वे में लीक हुई हुई है, तो उससे हमें हमारे लिए बचना ज़रूरी है। फालतू की एप्लीकेशन बिल्कुल इंस्टॉल ना करें। अगर आपके पास किसी भी व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट में कोई लिंक आता है कि इस पर क्लिक कीजिए, वो कभी मत कीजिए जब तक आपको उस लिंक की ऑथेंटिसिटी नहीं पता है। ये तो कभी भी करना ही नहीं है कि वो करेंगे क्लिक हियर टू पे, तो वेबसाइट याद कीजिए, उस वेबसाइट को खुद अपने एड्रेस बार में डालिए, फिर उसमें पैड में आता है सिक्योरिटी आती है उसकी, उसको चेक करें कि हाँ ये वेबसाइट सिक्योर है, ओरिजिनल ही है जिस पे मैं जा रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं क्या उनके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है, तब उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, वरना अपना यूजर नेम पासवर्ड ऐसे ही नहीं कभी भी शेयर कर दीजिए किसी भी वेबसाइट पर जाकर। बिल्कुल सर, लिंक पर कभी एंटर नहीं करना। और अभी हम बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें तो हम जितने गहरे डूबते जाएंगे और इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, समय की एक लिमिट्स हैं, लेकिन आप सभी घबराइए नहीं, लंच के बाद भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे। अब हमारे जो दो बातें और, एक तो जब भी आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, एक तो आजकल उसमें जैसे हमने महेश सर ने अभी डिस्कस कर रहे थे NFC, आजकल सारे कार्ड NFC बेस्ड आते हैं, तो NFC बेस्ड में होता क्या है कि एक टर्म चल रही है NFC पेमेंट, उसको वाईफाई पेमेंट भी बोल देते हैं, तो वो 2000 रुपये की पेमेंट बिना किसी पिन से हो जाती है, तो RBI ने वो लॉन्च कर दिया है कि अब वो डिसेबल कर सकते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको हमेशा डिसेबल करके रखिए, क्योंकि आपका कार्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, अगर आप ये सोचें कि आपका कार्ड कहीं गिर गया है तो उसको कोई नहीं यूज़ कर पाएगा, ऐसा नहीं है, अगर आपकी NFC बेस्ड पेमेंट्स अनेबल्ड हैं तो उसका कोई भी 2000 करके ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो एक तो उसको डिसेबल कराइए। और आप ये सोचते होंगे कि कभी अगर आपने अपना CVV दे दिया लेकिन फिर भी OTP तो आएगा कि पेमेंट नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है, जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है किसी भी अब्रॉड की वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन है उस पर OTP कभी नहीं आता है, तो फॉरेन ट्रांजेक्शन हमेशा बिना OTP के हो जाता है, तो किसी से भी अपनी कभी भी बोलकर कार्ड इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करनी, कभी ये सोचें कि कार्ड इन्फॉर्मेशन तो हमने दे दी है OTP आएगा बिना OTP के पेमेंट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिना OTP के होते हैं, तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। कि जितने भी अपने कार्ड्स हैं सारी कंपनीज आज की डेट में फैसिलिटी दे रही हैं कि आप अपने कार्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है, आपने जब ट्रांजैक्शन करनी है उसी टाइम के लिए आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कीजिए, उसके बाद उनकी लॉग इन करके वेबसाइट पर उसको डिसेबल करें, ट्रांजेक्शन लिमिट भी सेट कर सकते हैं। हाँ, लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं, आपके ट्रांजेक्शन को बिना अगर आपने 5000 की लिमिट सेट कर दी, अगर 5000 के ऊपर आपने पेमेंट कर दिया आपको पहले लिमिट बनानी, तो ये बहुत डेप्थ है जैसे अभी इन्होंने बताया, इसमें जितना उतरते जाएंगे आप सेल्फ लर्निंग कीजिए, न्यूज़ सुनने की आदत डेली रखिए, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहती है कि आज अब क्या नई चेंजेस हुई हैं। चलिए इसी के साथ अभी के लिए हम विराम लेते हैं, धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे लग रहा है सर कि अगली बार हमें एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखना पड़ेगा जिसमें हम टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कस कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू महेश सर, संजीव भाई, अमरिंदर भाई, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब ने इतनी गहराई से और इतनी डीपली इन सारी चीज़ों के बारे में बात कही। हमारे जितने भी गेस्ट बाहर से, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से अश्विनी सर आए हैं, अनु टंडन मैम आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक्स, दैनिक जागरण से सुमेश ठाकुर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे बीच में आए और इस इवेंट को कवर किया। आज अब मैं निवेदन करूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि रुपेश सर से कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम के बारे में और अपने शुभ वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं सर से निवेदन करूंगा कि वे सर को स्टेज पर लाएं। सर गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल।
जी पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ। मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले आईएएस क्लियर करने से पहले मैंने अपना अमृतसर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन करा है, और उससे पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 2.5 से जॉब करी है। और उसके बाद इन 2017 मेरे को ये पता लगा कि आईएएस यूपीएससी नाम की कोई चीज़ भी होती है, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू क्लियर एंड स्टैंडिंग हेयर लाइक अ चीफ गेस्ट, दिस इज फॉर द थिंग आई ड्रीम फॉर, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल, हमें उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, इट डजंट मीन कि हम में और किसी और में कोई भी डिफरेंस है। डिफरेंस किसी में कुछ नहीं है। हम जैसे चैलेंज की बात करते हैं, चैलेंज हर किसी की लाइफ में एक नहीं तो दूसरा होता है। फॉर अस वी आर डिफरेंटली एबल, इट इज़ विजिबल टू अस एंड विजिबल टू अदर्स ऑल्सो, बाकियों को पता है। पर जो लोग सो कॉल्ड कई बार हम कहते हैं जी फुली एबल्ड बॉडी या समथिंग, उनको साइकोलॉजिकली कुछ होता है, वो आइडेंटिफाइड नहीं होता और उस चैलेंज को वो कोप अप नहीं कर सकते। इस चीज़ में हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट है जो शायद और लोगों के पास नहीं है। हम उसको अपनी चैलेंज को फेस करने के लिए, उसको उससे बाहर निकलने के लिए, उसका रास्ता ढूंढने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं जो अदर मिस कर जाते हैं। और हमें ज़िंदगी में किसी के साथ कभी भी कुछ कम्पीट नहीं करना है। हर किसी की अपनी डेस्टिनी है, अपनी लाइफ है, अपना उसको करना है। जब हम किसी के लिए कंपटीशन में जाएंगे, हमें उससे कोई एबल्ड बॉडी है, कोई डिफरेंटली एबल्ड बॉडी है, उसके साथ हमें कंपीट करना है, तो हम वी आर ऑलवेज लूजर। हमें अपना रास्ता बनाना है और आगे निकलना है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नैब चंडीगढ़ का, जिन्होंने मेरे को ये सम्मान दिया है यहाँ आने का। और जो हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी आज डिस्कशन हुआ है, आई वॉन्ट कि सभी ये यूज़ करें और अपने ज़िंदगी को और आसान बनाएं और नई नई हाइट्स अचीव करें। और ये जो आज मैं हूँ, आई एम नॉट द फर्स्ट एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द लास्ट, एवरी वन शुड बी हेयर एंड यू ऑल आर द पीपल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें आप सब आपकी बातें सुनकर। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं फर्स्ट हूँ और लास्ट नहीं होना चाहता, और हम भी चाहते हैं कि जितने सामने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनमें से भी आईएएस पीसीएस एचसीएस आईपीएस बन के हमारे सामने आए, और इसी तरह से हम उन सबको यहाँ पर बुलाएं। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री विनोद चड्डा सर और वाइस प्रेसिडेंट श्री नितिन आनंद सर से निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह आज के हमारे मुख्य अतिथि रुपेश कुमार सर को दिया जाए। एक मोमेंटो हमारी तरफ से सर के लिए, तो एक बार तालियां जोरदार सर के लिए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सो इसी तरह से ये कार्यक्रम बदलते सिनेरियो में भी, ज़माना बदल रहा है कोविड के कारण, बहुत कुछ चेंजेस हम सबकी ज़िंदगी में आ गई हैं। हम सभी यही दुआ करते हैं कि इसी तरह चलता रहे। और मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जितने बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की गई है आरसीएस पॉजिटिव एबिलिटीज़ की तरफ से। 15 दिसंबर जिसकी लास्ट डेट है, जो भी उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है अमरिंदर जी से मिल सकता है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं 9815805420, 9815805420 पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए आप सभी एक बार खड़े हो जाएं प्लीज, नीचे ही आप आ जाएं सामने। वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि वो सबको ले आए। संजीव जी आइए। हेलो
सभी से निवेदन है कि कोविड नॉर्म्स का कृपया ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क सभी पहने रहें ताकि कल को अखबार में फोटो छपे तो किसी का ऑनलाइन चलान घर पे ना आ जाए। बिल्कुल, तो सभी अभी हम लंच के लिए बाहर ही चल रहे हैं और वहीं पे ही हम ग्रुप फोटो भी ले लेंगे। तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आप सभी यहाँ पर सीनियर बंदों में सबसे बढ़िया खालसा की वो भी बेहतर बन जाते कई बार वो भाई लैंकड़ों अपने के सीनियरों में सबसे बढ़िया गांधी तो रामबाग भी सही था। सबसे पहला बैच नहीं था वो बजाते थे धाती धाके नादात्री क्रिकेट धाती धाके दिन ना गिनना मेरे को सुनते वो मेरे को पता क्या बोलते थे धाती धाके नादात्री क्रिकेट आगे नहीं पता था मेरे को कि धाती धाके दुन्ना फुटेगा बड़ा याद करते हैं। ऑनलाइन तो चल रहा है इसका फेल कर दिया सारा सिस्टम जब दूसरी फोन पर मैं एक बहस चल रही है निकल के तो त्याग कर उसके अंतिम चरण तक पहुँचा है मैं कह रहा हूँ